दबाव के साथ लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में कारोबार दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए बचा हुआ है। आखिरी डेढ़ घंटे में आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेगा आज फिर से प्रेशर और बंद हो गए दिन के निचले स्तरों के आसपास, और क्या है वजह गिरावट की और कहां रुकेगी? ढेर सारे सवाल है आपके मन में, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। उन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और घरेलू बाजार यहां पर आखिर हो क्या रहा है और अब आपको करना क्या है। सर, गुड आफ्टरनून। इससे पहले कि हम वो डिस्कशन शुरू करें, आज सिर्फ आफ्टरनून है, गुड नी। अच्छा ठीक है, ओनली आफ्टरनून, ओनली आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिर्फ क्लोजिंग के बाद ही होगी, अगर अच्छी सी क्लोजिंग दिखी तो। सर बताइए, अंग्रेजी में एक बड़ा आराम है, आपको जितना बोलना है उतना ही बोल सकते हो। हमें तो नमस्कार बोलना है तो नमस्कार ही बोलना है, इसमें आधा तो बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। इधर आफ्टरनून जैसे ही तो खाली आफ्टरनून, गुड बोलने की जरूरत नहीं, ओनली आफ्टरनून। ठीक है, तो सर बड़ी बातों से करें शुरुआत। जो भी है वो इतनी छोटी है कि पूछिए मत। कमजोरी कमजोरी सब तरफ, 140 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा निफ्टी में इस वक्त, 500 अंक नीचे सेंसेक्स और 350 अंक नीचे बैंक निफ्टी। और ये सब कुछ तब है जब ये निचले स्तरों से थोड़े बहुत रिकवर हुए हैं, नहीं तो हालत और भी ज़्यादा खराब थी। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर इंडेक्स आपको लाल निशान में नजर आएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में आज जो गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली जो चौतरफा है, सब जगह है। गिरने में सबसे आगे हैं रियल इस्टेट शेयर्स, ओबेरॉय रियल्टी के नेतृत्व में। आईटी सुबह से कमज़ोर हैं, आईटी दिग्गजों ने दबाव बनाया है। सरकारी बैंकों की हालत ख़राब है ईसीएल के चक्कर में, फाइनेंस कंपनियाँ पिटी हुई है, मेटल ग्लोबल मार्केट्स की मार से जूझ रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स सरकारी बैंकों का साथ देने के लिए गिर रहे हैं, फार्मा की सेहत खराब है, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मिड कैप इंडेक्स भी आधा से 1.5% तक ये सारे के सारे इंडेक्स नीचे है। खाली छोटे छोटे बहादुर लोग हैं जो अभी तक स्मॉल कैप इंडेक्स को हरे निशान में रखे हुए हैं, बाकी सब कुछ खराब। लेकिन अगर आपको लग रहा हो बाकी सब कुछ खराब है तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर कुछ भी खराब नहीं है। फॉर ए चेंज आज डाउ सेंचुरी मारने के मूड में, नर्वस 90 में प्रवेश कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स 25 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार में मिले जुले कोई खास कमजोर है नहीं, तो ये है इस वक्त की बाजार की सो कॉल्ड बड़ी बातें। लेकिन सर बड़ा सवाल तो भाई, क्यों गिरावट आई इतनी भारी, मतलब इतनी तेजी से क्यों गिरे? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब प्रॉब्लम क्या आपकी, गिरावट की प्रॉब्लम है या तेजी से गिरने की प्रॉब्लम? दोनों की प्रॉब्लम है, तो गिरा और वो भी इतनी तेजी से। तो ऐसा है नेहा जी, प्रॉब्लम एक तो ये है कि हम अकेले क्यों गिर रहे हैं। आज तो डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, अब डाउ फ्यूचर्स 12 दिन में सिर्फ 2 दिन ऊपर बंद हुए हैं, तो 12 दिन से रोज गिरे तो हम नहीं गिरे, तब तो हमें मन में ये नहीं आया कि हम अकेले क्यों बढ़ रहे, ये तो नहीं बढ़ रहे हैं। सो इसलिए डाउ फ्यूचर को देखकर लोगों को लग रहा है कि तेजी करनी चाहिए, लेकिन हमारे बाजार बढ़ नहीं रहे, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ आ रहा है, इसलिए थोड़े लोग दुखी हैं। दूसरा, गिरने की स्पीड से दुखी हैं, इतना ज़्यादा इतना तेजी से गिर रहे हैं। और तीसरा, कारण समझ में नहीं आ रहा। तो कारण के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, और फ्लैशबैक में ठीक 24 घंटे पहले, अभी इसी वक्त, जब कल 2:30 के आसपास जो आपको खबर आई कि आईबीए के चीफ जो सुनील मेहता साहब है, उन्होंने कहा कि बैंक्स के लिए 30 जून की डेडलाइन है, उन्हें ईसीएल का प्रोविजनिंग स्टार्ट करना है, आरबीआई कह चुका है और हम उसकी तरफ आगे काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अब धीमे धीमे बैंकों के नतीजे जो आ रहे हैं या बैंकों से जो जो लोग बात कर रहे हैं उनसे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, बैंक्स को इस तरह के निर्देश आ चुके हैं, और निर्देश आ चुके तो उसकी तैयारी चल रही है, और इसी वजह से बैंक निफ्टी ने दबाव बनाया है। आज भी आप देखिए गिरने की शुरुआत थोड़ी बैंक निफ्टी से भी होती हुई दिखी, अब तो खैर 0.5% दोनों ही तीनों इंडेक्स नीचे है। सो आई थिंक थोड़ा बैंकिंग शेयरों पर दबाव इसी वजह से है, ये क्योंकि आपको डर ये लग रहा है कि भाई अगर ऐसा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर रहा है। अब बात यह है कि आपको ट्रिगर चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ जो अलग दिख रही है वो ये कि आज गिरावट की वजह कोई ग्लोबल मार्केट्स है नहीं, और वैसे देखा जाए तो पिछले 2 हफ्तों से बढ़ने की वजह भी ग्लोबल मार्केट्स नहीं थे। अच्छा, मुझे एक्चुअली लगा था कि शायद कल जो डाउ 336 अंक गिरा, क्या पता लैग इफेक्ट है। ना ना ना, अरे लैग इफेक्ट कुछ नहीं है, तो लैग इफेक्ट कल की खबर का आज है जो आपको आती है। देखिए ऐसी अगर ईसीएल को लेकर मामला क्लियर नहीं होता तो बैंकों में फ्रेश खरीदारी आना थोड़ा मुश्किल है, लोग देखना समझना चाहते हैं। और मुझे जो लगता है समझ में जो आता है वो ये होगा नेहा कि अल्टीमेटली एसबीआई के रिजल्ट के दिन ये स्थिति साफ होगी, और एसबीआई क्या कहता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि ईसीएल को लेकर क्या होने वाला है, लागू होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, और कितनी चिंता की बात। तो क्या उस दिन से हम
फिर स्मार्ट रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं, नहीं, वो मुझे नहीं पता ना एसबीआई क्या कहेगा। मतलब हो सकता है रिकवरी तो आज बचे हुए एक डेढ़ घंटे में आ जाए, कल से आ जाए। सी करेक्शन, आपको एक तो करेक्शन टेक्निकली पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि आप दो हफ्ते से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, थोड़े से ओवरबोर्ड। कल सुबह यही बात कर रहे थे, कॉम्प्लिसेंट हो गए। कल आम धारणा रिटेल में बन गई थी कि भाई अब तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये तो बढ़ वहाँ से आपको हल्का फुल्का करेक्शन, अभी सारा करेक्शन रनिंग करेक्शन है। अभी तक कोई ऐसी बड़ी खराबी नहीं हुई जब तक आप 18,000 के नीचे है निफ्टी पर, नहीं है सॉरी नहीं है, और जब तक 43,000 के नीचे नहीं है बैंक निफ्टी, तब तक तो क्या है, 2% का करेक्शन है ना, 2% का करेक्शन तो देखना ही पड़ेगा ना, 1.5-2% का करेक्शन। भाई सिंपल सी चीज़ है, 2000 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, 400-500 घटेगा नहीं, है ना, और सेम वे 4000 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो 1000 घटेगा नहीं, 25% 33% और कितना तीसरा शायद 50% के आसपास का जो करेक्शन होता है टेक्निकली भी, तो आपका 25% मिनिमम उतना करेक्शन तो पूरा करो, वो करना ठीक है। तो आई थिंक अभी तक हम रनिंग करेक्शन में, अभी तक चिंता की बात नहीं है। चिंताएं बढ़ेंगी या घटेंगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बैंक्स ECL को लेकर कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, आगे हो रहा है नहीं हो रहा है। और घटना है या रिकवर हो जाना है, सो जोकर इन द पैक जो ट्रम्प कार्ड आपके पास में है वो ECL की क्लैरिटी को लेकर है। एज ऑफ नाउ कल और आज के बीच में बाजार ये मान रहा है ECL एक समस्या है बैंक्स के लिए जिस पे आपको गिरना पड़ेगा और इसलिए हम हल्के हल्के गिर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और फिर सर स्टॉप लॉसेस का आप क्या होगा? स्टॉप लॉसेस कुछ नहीं, जिसके ट्रिगर होंगे उसके होंगे। जैसे 18,250 इनको छोटा रखना है, अगर आज 18,250 के नीचे बंद होता है तो जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर आजकल वाले उनको पोजिशन कम करनी चाहिए, और जो थोड़े से पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 18,000 के नीचे बंद हो तो कर दी, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए 43,650 है क्लोजिंग स्टॉप लॉस, 43,650 अभी 43,550 के आसपास, अगर 43,650 के नीचे बंद होते हैं तो आपको काटना चाहिए। ठीक है, और जो थोड़े पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 43,000 का स्टॉप लॉस रखें, बस सिंपल। ओके, गॉट इट सर। और बाकी हाँ, अब रहा सवाल दूसरा, ये तो अगर जो लोग ये मानते कि भाई ट्रेंड तेजी का है, इंटेक्ट है, एक दो दिनों से खत्म नहीं होता, जो मैं भी मानता हूँ, तो आपके लिए 18,050-18,100 ये परफेक्ट रेंज आ रही है खरीदारी करने की, 18,050-18,125 अगर जिसको खरीदना ही है तो। और आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस 18,000 होना चाहिए, ये आप खरीदने की रेंज में आ रहे हैं 18,050-18,100 के आसपास। हाँ, ये रेंज एकदम परफेक्ट खरीदारी है, और आपको 18,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस, उसके नीचे बंद हो तो थैंक यू, आज हो चाहे कल हो थैंक यू। ठीक है, तो ये लेने के भाव आ रहे हैं, बेचने के नहीं। अगर आप कल नहीं बेच पाए, परसों नहीं बेच पाए, तो आज मत बेचिए। अब इन लेवल पे 18,100 के आसपास बेचना रिस्की है। ठीक है, बैंक निफ्टी 43,200-43,375 की रेंज में अगर आएगा, आई डोंट नो अब आएगा नहीं आएगा, अगर आए तो आज नीचे में 43,450 का लो बना के आया, उसके बहुत करीब से गुजरा। लेकिन अब भी मैं अपनी रेंज पर टिकाऊँ, 43,200-43,375 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, वहाँ आएगा तो एक बार तो लेना ही चाहिए। ये आपने सुबह भी मेंशन किया, 100% लेना चाहिए, और अभी भी उस राय में कोई चाहे 43,000 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, डिसिप्लिन और लेवल से ट्रेड करना पड़ेगा। ये तो किसी को नहीं पता टॉप बन गया या कहाँ रुकेगा, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत सपोर्ट जोन है, अभी तक 4-6 हफ्तों का ट्रेंड तेजी का है, तो फिर इस करेक्शन में लेना बनता है। अगर करेक्शन टॉप बन गया, करेक्शन गहरा होना है, मार्केट खराब होना है, तो आपके पास स्टॉप लॉस है। बिल्कुल करेक्ट, 43,000-18,000 सिंपल। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस हमारे सेवियर्स हैं, इनको प्लीज सैक्रोसैंट एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके चलिए। और ऑफ कोर्स अच्छी बात यह है कि सर ने सुबह इस बात का जिक्र किया था, लोअर लेवल आए या यहां से 44 का लेवल ऊपर पार होता हुआ दिखे, तब बैंक निफ्टी में आपके लिए अच्छे लेवल्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो लोअर रेंज बनती दिख रही है, इट्स इन अ वे अ गुड अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि बाजार की नजर और किन ट्रिगर्स पर है, और पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, जरा बताइए कौन कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए। गुड आफ्टरनून नेहा, ट्रिगर्स के लिहाज से एफएनओ स्पेस से वर्लपूल के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही कैबिनेट ब्रीफिंग होने वाली है 3 बजे। एक तो जो फर्टिलाइजर को लेकर सब्सिडी का ऐलान किया जाएगा उसको लेकर एक बातचीत होगी, और साथ ही आईटी हार्डवेयर को हार्डवेयर से रिलेटेड जो पीएलआई स्कीम है उसको लेकर जो अनाउंसमेंट्स होने वाली है वहां पर फोकस रखिए। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अप्रैल महीने का यूरोप का CPI आंकड़ा, और साथ ही अप्रैल महीने के US के लिहाज से
हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा पर भी आपको फोकस रखना है। कल के दिन में निफ्टी से SBI, ITC ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। नंबर्स SBI के मार्केट आज के दौरान ही एक्सपेक्टेड है। साथ ही FNO स्पेस की लंबी सूची है, बाटा, कॉनकॉर, रामको सीमेंट, GNFC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गेल समेत इंटरग्लोब एविएशन, PI इंडस्ट्रीज और जाइडस लाइफ साइंस भी अपने नतीजे डिक्लेयर करेगी। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इसका प्री IPO लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। और साथ ही 19 मई शुक्रवार, यहाँ पर भी नतीजों की लंबी सूची है। निफ्टी से JSW स्टील, NTPC और पावर ग्रिड, और साथ ही FNO स्पेस से क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, ग्लेनमार्क, अबॉट इंडिया, अल्केम लैब, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मुथूत फाइनेंस जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इनके नंबर्स भी आने वाले हैं। JSW स्टील की तो बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ QIP या फिर NCD या फिर अन्य कोई ऑप्शंस के जरिए फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है। और हिंदुस्तान कॉपर भी यहाँ पर नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और QIP को लेकर विचार करता हुआ दिखेगा। जहाँ तक HDFC AMC का सवाल है, वो देश का सबसे पहला डिफेंस सेक्टर फोकस्ड म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाले हैं। तो ये एक NFO है जो 19 मई से 2 जून तक खुला रहेगा। साथ ही एक्स डेट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रेन इंडस्ट्रीज, जो इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था। और सरकार को RBI जो है यहाँ पर डिविडेंड देने पर, डिविडेंड पे आउट देने पर एक मीटिंग करेगी, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से G7 समिट ये जापान में शुरू हो जाएगा, 19 से 21 मई तक ये जारी रहेगा। और फेड चेयरमैन पावेल साहब एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे शुक्रवार को। तो ये सारे ग्लोबल ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो ट्रिगर्स हैं वो कुशल ने आपके सामने रख दिए, लेकिन खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन दिख रहा है। स्टॉक्स न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, कई सारे नतीजे भी और खबरें भी हैं। सबसे पहले नतीजों में जुबिलेंट फूड्स, यहाँ पर मुनाफा लगभग 70% के आसपास गिर कर आता हुआ दिखाया है। आय में हालांकि आपको 8% की बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन जो है वो घटकर आए हैं, लगभग 24.6% से गिरकर आपको दिखेगा लगभग 19.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। दिव्यान इंटरनेशनल, यहाँ पर मुनाफे में लगभग 20% के आसपास की आपको गिरावट है। आय लगभग 28% के आसपास बढ़कर आई है और मार्जिन्स में भी यहां पर भी कटौती है, लगभग 23.6% से गिरकर 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ZS वेलनेस, यहां पर मुनाफा 9% के आसपास बढ़ा है, आय की बात करें वो भी 11% बढ़कर आती हुई दिखी है। स्टरलाइट टेक, आय 25% बढ़ी है, मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 8.9% से बढ़कर लगभग 13.7% पर आते हुए दिखे हैं। हेस्टर बायोसाइंस, यहाँ पर बात करें तो मुनाफे में वहाँ पर भी मुनाफा अगर घटकर आता हुआ दिखा है, जो 7.7 करोड़ का था वो अब घटकर 4.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और मार्जिन्स में भी आपको थोड़ी बहुत कटौती दिखेगी, 17.7% से गिरकर लगभग 17% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। अनूप इंजीनियरिंग, यहाँ पर अगर आप रिपोर्टेड मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर मुनाफे में आपको कटौती दिख रही है, लगभग 32 करोड़ से घटकर 19 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। पर पिछले अगर आप YOY की बात करें तो Q4 में वहाँ पर डिफर्ड टैक्स का जो एडवांटेज था उसको हटा के अगर आप देखें तो मुनाफा 19.5 करोड़ पाता हुआ दिखा है, पिछले साल के कंपैरिजन में 16.8 करोड़ का है। और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो भी लगभग 24 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। डिक्सन टेक, अंबन एंटरप्राइजेस सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि IT से जुड़ी हार्डवेयर बनाने के लिए जो PLI को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जो लगभग 17,000 करोड़ की जो है ये PLI स्कीम है, उसी के साथ साथ खरीफ सीजन के लिए लगभग 37,000 करोड़ की जो है खाद्य सब्सिडी है उसको भी मंजूरी है। ऑर्डर विंस है L&T में लगभग 1,000 से 2,500 करोड़ का, मान इंडस्ट्रीज में लगभग 500 करोड़ का, और RVNL जो है वो JV ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सबसे कम बोली लगाई है, लगभग 81 करोड़ के आसपास का जो है वो प्रोजेक्ट है। इंटेलेक्ट डिजाइन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान रखें क्योंकि कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए उन्होंने यूनियन बैंक के साथ करार किया है। ZS लाइफ साइंस, USFDA से इनको एक दवा की अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, हाइपरटेंशन में इस दवा का जो है उपयोग किया जाता है। SpiceJet NCLT के लिए अगली सुनवाई 25 मई को होगी। और अडानी हिडनबर्ग केस में बात करें तो 11 जुलाई को अडानी हिडनबर्ग के मामले की अगली सुनवाई है। और सेबी को अगर आप बहें तो 15 अगस्त तक जो है ये जांच जो है वो पूरी करनी है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें 361 मैम लगभग 13 लाख शेयर्स, पावर ग्रिड 20 लाख, IRFC 32 लाख, मदरसन सुमी 25 लाख और अशोक लेलैंड 23 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद आपका अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और सर, हमारे सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। खबरें भी आज अरमान काफी लेके आए हैं। अरमान, आज फॉर चेंज काफी खबरें। यस सर, रिजल्ट ज्यादा कैश मार्केट के। जी सर, ओके। चलिए, ढेर सारी खबरों के बीच हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी और धर्मेश कांत साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी बहुत उत्साहित है क्लोजिंग शो में पहले बिगुल के लिए, तो आइए सुमित का सुपर हिट। संभावना पूरी इस बात की है कि सुमित जी की तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट कॉल आता हुआ दिखेगा। सुमित जी बताएं सर।
अनिल जी गुड आफ्टरनून, संभावना एकदम आपकी परफेक्ट है और सेल कॉल ही रडार पे आया है और कल भी इसीलिए अनिल जी सेल कॉल रडार पे आ रहे थे जो दो तीन सेल कॉल लिए थे। तो अनिल जी अभी जो सेल कॉल मेरे रडार पे आया है मेटल सेक्टर का स्टॉक है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 278 फ्यूचर्स के अंदर 278 रुपया, स्टॉक का नाम है वेदांता VEDL। वेदांता के अंदर यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, वेदांता में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे भी स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज था, ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा था, लास्ट दो दिन में पुलबैक दिखाया लेकिन आज सस्टेन नहीं कर रहा है, कल का लो जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। वेदांता के अंदर यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए, बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 282-283 के पास है, तो 282 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है वेदांता के अंदर, पहला टारगेट बनेगा 273 रुपीस का, दूसरा टारगेट बनेगा 268 रुपए का। तो वेदांता के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 273-268 के टारगेट पर का। तो यहां पर शॉर्ट करने की राय सुमित जी की तरफ से, और सुमित जी ने कल भी सुबह के सत्र में भी और दोपहर में भी जमकर शॉर्ट कॉल का इनिशिएट किया है। पहली कमजोरी पर ही ऊपर के अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर बेचना ये बहुत ही बढ़िया चार्ट्स का एक देखने का तरीका है जो सुमित जी इसमें बड़ी महारत है। वेदांता का भी शॉर्ट कॉल अब आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। फरमाए सर। अनिल जी फरमाना तो है, जो सुबह 10 की कमाई का स्टॉक था अनिल जी वो फरमा रहा है, अनिल जी मतलब फ्लाई कर रहा है, अभी 11% ऊपर था, अभी 10% ऊपर है, तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड टाइट सेट टाइट। और अभी का जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है अनिल जी, तेजी की तरफ खरीदारी की राय है और खरीदना है जुबिलेंट फूड। नतीजे खराब आए हैं, खराब नतीजों के बाद यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और एक चीज बाजार से सीखी है, नेवर एवर मिस पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन नेगेटिव न्यूज। तो नेगेटिव न्यूज पर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो चांसेस हाई होते हैं सक्सीड करने के। जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए बहुत जबरदस्त एक रिवर्सल होता हुआ इंट्राडे में नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल्स पर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है और ये स्टॉक अब 500 रुपए की ओर बढ़ रहा है, तो हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस इसमें रखना है 470 रुपए पर, 470 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 485 रुपए का, दूसरा टारगेट 500 रुपए का, जिसके लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स में हमारी खरीदारी की राय है। और अनिल जी एक अपडेट ये है कि आज सवेरे पिक ऑफ द डे में मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दी थी, अब आप दाम देखिए। दाम देखूं एक्साइड? वो तो अलग अलग गाड़ी में अलग अलग दाम की आती है, बैटरीज डिपेंड करता है, आपके पास कौन सी वाली है? अनिल जी सवेरे कॉल दी थी अनिल जी, गाड़ी की बैटरी कौन सी लगी है तो अनिल जी पता ही नहीं लगता, बोनेट में छिपी रहती है, टायर तो अनिल जी सामने दिख जाते हैं इसलिए पता रहता है, बैटरी कौन सी लगी अनिल जी पता नहीं रहता है। वाह क्या बात है, 205 इस खराब बाजार में मजबूत। मैं बता रहा हूँ कुणाल जी राकेश जी आज आपका दिन है, जो मर्जी कर लो। देखो सोचो सुबह सुबह आपने कौन सा दिया था, वो ग्लोबल स्प्रिट 10 की कमाई है, हालांकि उस समय से भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि किसकी कॉल में किसका योगदान ज़्यादा था, लेकिन नेचुरली जो कंपनी है जिस तरह के प्रोडक्ट्स में बंसल जी का ही 80-90% कंट्रीब्यूशन बंसल जी का ही माना जाएगा, वो 11-12% स्टॉक बढ़ गया, आपका एक्साइड बढ़ गया, आज तो मतलब वो आपका गोल्डन डे है, जो चाहे कर सकते हैं। बंसल जी क्रेडिट कितनी देनी, कुछ दें 5-10% क्रेडिट ग्लोबल स्प्रिट की कुणाल जी, या जरूरत नहीं है? नहीं नहीं अनिल जी पूरे अनिल जी भागीदार हैं, ऐसा नहीं है अनिल जी, 50-50 क्रेडिट अनिल जी। अच्छा ओके, स्टॉक अगर अच्छा चले 50-50 बहुत बड़ा दिल है कुणाल राकेश जी का, और अगर स्टॉक ना चले तो 100% जिम्मेदारी कुणाल जी की। ये फॉर्मूला है मंजल जी का। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। स्वाति बताइए डाइवेस्टमेंट को लेकर क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार जिस तरह से अभी उनके हाथ में जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं उनमें अब फोकस ज़्यादा IDBI बैंक पर है। इनफैक्ट सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इसका प्राइवेटाइजेशन है वो डेफिनेटली ये साल होगा, ये सरकार का मानना है। उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट्स अभी दूसरे बैंक्स की तरफ फोकस नहीं करके केवल IDBI पर ही यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, और
अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है मैं वो बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे सूत्र अब बता रहे हैं कि इस महीने के अंत तक, आपने देखा जब ईओआई ओपन हुई थी तो बहुत बढ़िया उनको प्रिलिमिनरी रिस्पांस मिले, कई बिडर्स यहाँ पर रुचि दिखाने के लिए उन्होंने डाला, और दूसरा डेटा रूम अभी आईडीबीआई बैंक खुलेगा और वो शॉर्टलिस्ट, वो भी जो बिडर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए जल्द ही खुलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो स्टेप टू कह सकते हैं हम इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में आईडीबीआई बैंक जाते हुए. दूसरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हम यहाँ ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल बिड्स सितंबर तक यहाँ आने की बात हो रही है, यानी कि आपको 2-3 महीने का समय ज़रूर यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि डेटा रूम के बाद प्रोसेस क्या होता है, जब उनके डिटेल्स जो फाइनेंशियल्स हैं वो उनको मिलते हैं, फिर बिडर्स उस पर सवाल पूछते हैं, फिर उनके रिस्पॉन्स मिलते हैं. तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय सेप्टेम्बर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर फाइनेंशियल बिड्स तब मंगा ली जाएंगी. तो ये टाइमलाइन हमें ध्यान रखने की बात है. और आपको पता है जैसे फेयरफैक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ बैंक्स, ये कुछ कंपनीज हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं और वाकई इस पर बिड करने की प्रक्रिया में है, काफ़ी सीरियस बिडर्स हैं. आरबीआई के साथ भी इनकी चर्चा इस वक्त चल रही है जो हमें बताया गया है. और आप अगर आईडीबीआई का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखेंगे, FY23 में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और Q4 के रिजल्ट्स पर अगर फोकस खास करें तो 60% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ा है. तो क्लीन बुक्स हैं और एक बहुत बढ़िया लार्ज एंड क्वालिटी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इनके लिए साबित हो सकता है पोटेंशियल बायर के लिए. इनफैक्ट गवर्नमेंट बहुत बुलिश है, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उनको लगता है कि करेंट वैल्यू ये अट्रैक्टिव है, इस पर अच्छा प्रीमियम इनको यहाँ से मिल सकता है, ये सरकार का मानना है. ओके, तो सर बाकी बैंक का तो पता नहीं, लेकिन आईडीबीआई बैंक की जो हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना है वो ऑन ट्रैक है. फेयरफैक्स, कोटक जैसे नाम शामिल हो रहे हैं, और हाँ ये जरूर है कि जो खरीदारों से बोलियां मंगवाई जाएगी उसमें अभी थोड़ा समय है, सितंबर के आसपास आप करेंगे, सितंबर तक ऐसा होता हुआ दिखेगा. ओके, तो सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आईडीबीआई बैंक के लिए दावेदार भी सामने आ रहे हैं और बोलियां भी सितंबर तक मंगवाई जाएगी. ये है आपके लिए एक बड़ी खबर विनिवेश को लेकर आती हुई, ऑन ट्रैक विनिवेश प्रोग्राम आईडीबीआई बैंक का. चार्ट्स पर एक बार जरा राय ली जाए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उससे पहले एक बार फंडामेंटली राय धर्मेश कांत साहब से ली जाए आईडीबीआई बैंक पर. धर्मेश जी बताए क्या कहेंगे. गुड आफ्टरनून अनिल जी. देखिए ये मौका अच्छा है, टर्नराउंड स्टोरी दिख रही है आईडीबीआई बैंक की, और ये पहला साल है जब ये प्रॉफिट में आ गए हैं, और यहाँ से जिस तरीके से पूरा बैंकिंग सेक्टर में सुधार देखने को मिला, नॉट ओनली आईडीबीआई बैंक, सब बैंक में सुधार मिल रहा है, तो एक पोटेंशियल बायर्स और अच्छा वैल्यूएशन मिलने का काफ़ी चांस है. 40 रुपीज़ के आसपास का इसका बुक वैल्यू है और 54 के आसपास ये ट्रेड कर रहा, तो 1.3-1.4 टाइम्स ट्रेलिंग बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग है. सो देखना ये रहेगा कि ये प्राइसिंग क्या करते हैं इसका. मुझे नहीं लगता कि 1.5 से ज़्यादा का प्राइस टू बुक आप दे सकते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो वहाँ पे एक अपसाइड तो लिमिटेड है. बट ये बज में कि ये डाइवेस्टमेंट होगा और अभी जस्ट अराउंड हुआ है और एसेट बुक इसका बढ़ता है, तो वहाँ पे इनको जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ेंगे, तो 20% का कैगल लगाएं तो मुझे लगता है अराउंड 62-70 के बीच में इसका भाव इस रनअप में भाग सकता है. सो गुड ट्रेडिंग बेट फ्रॉम डाइवेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है आईडीबीआई बैंक आपके लिए. एक राय आईडीबीआई बैंक पर बंसल जी से भी, जो बहुत ही क्लोजली इस स्टॉक को अच्छे से ट्रैक करते, बताएं सर. अनिल जी इन रेटों पे अनिल जी काफी वैल्यू है, बहुत टेक्निकली फंडामेंटली लेना चाहिए. और अनिल जी इसमें अपडेट मेरे पास भी अनिल जी, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक और फेयरफैक्स अनिल जी दे आर फाइटिंग, उनकी लड़ाई बहुत भयंकर हो रही है, इन दोनों को लेना चाह रहे हैं और दोनों अनिल जी गवर्नमेंट से एग्जम्पशन मांग रहे हैं कि ना तो कोटक महिंद्रा बैंक इसको लेने के बाद इसको इमीडिएटली मर्ज करेगा कोटक बैंक के अंदर, और ना ही फेयरफैक्स जो है प्रेम वत्सा जी का, ना ही वो उसको कैथोलियम सीरियन बैंक में मर्ज करेगा, तो वो एग्जम्पशन मांग रहे हैं. और जो पल रहा है अनिल जी वो फेयरफैक्स का भारी है, और इन स्तरों पर अनिल जी काफ़ी वैल्यू है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम पर ये स्टॉक बढ़ेगा, 67-70 के लेवल्स आ जाएंगे तब लोग जागेंगे. इस समय पर सेफ्टी पूरी है, डाउनसाइड कैप्ड है, तो इस समय पर इसको बाय टाइट बाय एंड होल्ड करना चाहिए. 67-70 के लेवल्स आ जाएं तब इसको रिव्यू करना चाहिए. ओके, 67-70 के लेवल्स पे रिव्यू करना है, लेके बिल्कुल बैठ जाएं, और स्ट्रेंथ की पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है. एक्सक्लूसिव खबर के बाद यहाँ पर और तगड़ी चाल बनती हुई दिखाई दे रही है जहां तक आईडीबीआई बैंक का सवाल है. 3.5% की स्ट्रेंथ अब उस खबर के बाद आती हुई दिख रही है. लेकिन चलिए वक्त हुआ है एक बिगुल का हिमांशु जी के लिए. हिटमैन हिमांशु, हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, बताइए. गुड आफ्टरनून टू यू नेहा, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी.
खरीदारी करनी है जीएसएफसी में, 178.50 रुपए 179 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। मेरा मानना है बहुत स्ट्रांग आप मूव देखने को मिला था, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन और आज फ्लैग फॉर्मेशन से यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है एज वी स्पीक, और अभी जस्ट ब्रेकआउट की शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 192-195 रुपए तक का टारगेट 1-2 दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। जीएसएफसी में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 175 यानी कि 175 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 192-195 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। जीएसएफसी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, दिन के उच्चतम स्तर के पास होता हुआ कारोबार, 175 का स्टॉप लॉस, 192-195 तक का टारगेट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय गुड आफ्टरनून, बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। नेहा, बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो डेफिनेटली एक हमें प्रेशर देखने मिला है, एंड बैंक निफ्टी का इसीलिए मॉर्निंग में हमने पुट ऑप्शन भी दिया था 44,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, और उसमें सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है फर्दर वीकनेस भी एड ऑन हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, बट ICICI बैंक इसका इन द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे आप, ये 11.80 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 11.80, इसको खरीदने की सलाह। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप होते हुए मुझे नजर आ रहा है, एंड आई थिंक दैट अब ऊपर की तरफ नेहा 945-950 के जो लेवल से ICICI बैंक में, डैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस, एंड नीचे में लगभग हमें 920-915 ये लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 11.80 पे खरीदे, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा दैट वुड बी एट 7.6, 7.60 रुपए पे आप कीजिए, सो करीब करीब आपका 4.20 रुपए का एक डाउनसाइड रिस्क हुआ, बट ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 17.80, 17.80 रुपए, एंड सेकेंड टारगेट जो है वो है 23। सो ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे ICICI बैंक का इन द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वीकनेस और ऐड हो सकती है। ICICI बैंक का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदे 940 रुपए की स्ट्राइक पर, 940 वाले लेना है ना जय? बिल्कुल अनिल जी, ओके, इन द मनी एट द मनी जो आप मानना चाहें, मान लें 936 का भाव है, 937 का 940 का पुट ऑप्शन ले लीजिए आप, 7.60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 17.80 रुपए और 23 रुपए का आपके लिए दाम होगा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक और बड़ी खबर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुवेश कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए जानते हैं उनसे क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश बताइए। जी अनिल जी, अभी जैसे कि हमारे सूत्रों का कहना है, पीएम मोदी का जो अगला विजिट होगा यूएस के लिए जो अगले महीने जून के महीने में तय है, उसमें एचएल के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि एचएल की जो हमारी जो नई 5वीं पीढ़ी की जो फाइटर जेट्स हैं उसको बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र साइन होना है, जो कि मोदी जी के अगले विजिट जो यूएस में अगले महीने है उसमें वो साइन हो सकता है। ये डील लगभग 5,400 करोड़ की होगी, जिस पे एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी एचएल अभी बना रहा है, और अगर हमारी सूत्रों की माना जाए तो अगले 3-5 साल के अंदर ये 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार होके इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है। अभी अगर देखा जाए मौजूदा हालात में सिर्फ 2-3 देश ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, उनमें से एक यूएसए है और दूसरा रसिया, और इसके बाद हिंदुस्तान तीसरा या चौथा कंट्री बन सकता है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स मिल जाएंगे। और इसमें से एचएल के लिए बड़ी खबर, क्योंकि एचएल इसके प्रोटोटाइप पे अभी काम कर रहा है, और जीई से अगर टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर साइन हो जाता है मोदी जी के अगले विजिट पे, तो ये एचएल के लिए बड़ी खबर हो माना जा सकता है। और जितना हमारा अंदेशा है कि अगले विजिट जो अगले महीने मोदी जी का है यूएस में, वहाँ पर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील साइन हो सकती है। ओके, तो अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो एचएल के लिए कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की उम्मीद कर रहे हैं। अनुवेश जो आपके सामने खबर लेकर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5th जनरेशन, 4G 5G सुना था, 5th जनरेशन, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब बहुत ही हाई लेवल का होगा फाइटर जेट। 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने की संभावना है, और इसके प्रोटोटाइप पर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काम कर रहा है, और अगले 3-5 साल में ये प्रोटोटाइप आपका रेडी हो जाएगा। और कैबिनेट कमेटी ने इस पर 10,000 करोड़ रुपये का अप्रूवल किया है। इसके इंजन का निर्माण भारत में होगा,
करीब 5375 करोड़ की डील, ओह डील साइज काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बड़ी है, 5375 5375 करोड़ की डील होने का ये अनुमान है। तो ये खबर आपके लिए HAL को लेकर आती है, दिख रही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। जरा HAL के चाहने वाले, पसंद करने वाले, चार्ट्स पर हमेशा नज़र रखने वाले, हल खरीदने पर मिलेगा अच्छा फल। हमारे साथ सुमित जी है, सुमित जी जरा चार्ट देखिए। बिल्कुल अनिल जी हल में मूव ऊपर का ही देखने को मिलना चाहिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया ही है, छोटा मोटा डिप आता है इसमें हर तेजी के बाद, दो दो तीन तीन दिन का, उस डिप में इसमें कभी भी खरीदारी करना चाहिए। अभी इसमें नीचे पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 3030-3050 के आसपास बन रहा है, तो डिप में इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। ऊपर में 3170 का लेवल जब टूटेगा तो उसके बाद रैली एक्सटेंड होगी और फिर 3300 रुपए तक के लेवल हल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। ओके, तो ये आपके लिए राय HAL पर आती हुई। ओके, HAL पर तो राय है सुमित जी की, लेकिन एक बिगुल भी है सुमित जी के लिए, सुमित सुपरहिट। सुमित जी बताइए। नहीं, मेरे पास सेल कॉल है, कल सुबह पहले मारुति का सेल कॉल दिया था, मारुति के अंदर टारगेट हिट हो चुके हैं, अब ऑटो सेक्टर के अंदर और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ऑटो सेक्टर का अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 516 रुपए, 516। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर, टाटा मोटर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर में पिछले 1.5 महीने के अंदर एक अच्छी तेजी, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए 1 वे तेजी हमने टाटा मोटर में देखी है। स्टॉक ने मार्च में 400 के लेवल थी और ये कंटिन्यूसली 530-535 रुपए तक इसमें ऊपर का मूव देखने को मिला है। अब लास्ट 2 दिनों में टाटा मोटर में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है और आनी भी चाहिए। तो स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से नीचे में 15 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। 505 का पहला टारगेट बनेगा, 500 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा, 524-525 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 525 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 500 रुपए तक के टारगेट 1-2 दिनों के अंदर टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा मोटर्स सेल करने की रिकमेंडेशन है और 525 का स्टॉप लॉस लगाइए, 505 एंड इवेंचुअली 500 तक का डाउनसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन सेठी साहब भी हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं, सदाबहार सेठी जी, लेट्स वेलकम हिम। सुस्वागतम सेठी साहब, बहुत ही मुश्किल पिच पर आपको बैटिंग करनी है आज, बताइए सर दोनों खरीदारी की राय है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, पिच जरूर खराब है बट स्टॉक स्पेसिफिक एक बेहतरीन अच्छी तेजी है। आज के इस बाजार में भी कई स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अनिल जी एक अपडेट देता हूँ, इस बार जो SPL मिड कैप सेगमेंट है जो सोमवार को मैं रहता हूँ उस पे 3 स्टॉक मैंने रिकमेंड किया। लॉन्ग टर्म पिक थी भारत डायनेमिक्स 1015 पे, उसने 1100 तक के हाइज किए, अभी भी अच्छे 1075-80 के लेवल पे है। पोजिशनल पिक थी रूट मोबाइल जो मैंने 1330 के लेवल पर रिकमेंड किया, वो 1430 के हाइज करे हैं 2 दिन के अंदर। और जो सबसे अच्छी बात है शॉर्ट टर्म पिक था जेन टेक्नोलॉजीज, 301 रुपए में रिकमेंड किया, आज उसके हाइज है 345 रुपए के, अभी भी 335-336 के लेवल पे है। तो इस तरह की तेजी मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स में, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बन रही है। और एक सिरमा SGS करके भी स्टॉक है जो मैंने पिछले गुरुवार को दिया था 296 के लेवल पे, 296 पे, आज अभी 322 के लेवल पे वो भी ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी चल रही है अभी भी। और आज 2 स्टॉक है दोनों कैश मार्केट के मिड कैप सेगमेंट से जिनमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो दोनों ही खरीदारी करने की राय है कैश मार्केट के स्टॉक्स में। सर बताइए पहला वाला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम सुन के कुणाल जी को अच्छा लगेगा मुझे लगता है, स्टॉक का नाम है GMM फोडलर जो अभी 1465 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 1530 का, स्टॉप लॉस रखना 1440 का। एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंपनी है जो हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, मेनली मार्केट लीडर है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स के लिए, जहाँ पे इनका भारत में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। ये कंपनी फार्मा, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स, इन सब सेक्टर को कैटर करती है। एक जर्मनी की कंपनी फोडलर के साथ इनका JV है जो कि इसमें अराउंड 15% स्टेक ओन करती है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, एबिटडा में 44% की ग्रोथ दर्ज करी, मार्जिन थे अराउंड 15%, ऑर्डर बुक है क्लोज टू 2300 करोड़, एक साइजेबल ऑर्डर बुक है।
बाकी FISDIs भी 30% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें आदित्य बिरला सनलाइफ है, HSBC है, प्लूटस वेल्थ है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 1530 का टारगेट, 1440 का स्टॉप लॉस। GMM फॉडलर, कुणाल जी के, कुणाल जी आप प्रसन्न हुए, आपकी पसंद का स्टॉक बताया सिटी साहब ने। अनिल जी देखिए, सेठी साहब बोलते हैं अनिल जी, और मैं वैसे भी प्रसन्न हो जाता हूँ अनिल जी, तो जो भी स्टॉक वो बोलते हैं बड़े मैं ध्यान से सुनता हूँ, और आज भी अनिल जी उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो बड़ा अच्छा स्टॉक उन्होंने लिया है, काफी अरसे से बिल्कुल रेडार से बाहर हो गया था अनिल जी ये स्टॉक, आज वापस उनके कहने के बाद चार्ट को मैं देखने लगा तो अनिल जी बहुत प्रसन्न हुआ मैंने। चलिए, प्रसन्न हुए कुणाल जी, प्रसन्न हुए कुणाल जी की प्रसन्नता से ज्यादा क्या बढ़िया चीज है सेठी साहब के लिए। तो सेठी साहब, टारगेट हासिल होना हो, वैसे तो हो ही जाते हैं आपके टारगेट का, तो इश्यू है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स कुणाल जी के पसंद का आता हुआ GMM बताएं सर दूसरा। अरे जी, आपका दूसरा स्टॉक है एक इंफ्रा स्टॉक है अगेन, और स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा, जो JKIL के नाम से ट्रेड होता है, 268 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 285, स्टॉप लॉस रखना 260 रुपए का। एक दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, जो की मेनली मेट्रो प्रोजेक्ट्स करती है, फिर रोड्स है, फ्लाईओवर्स है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करती है। मुंबई में जितने मेट्रो लाइंस बनी है उसमें कम से कम 3 या 4 लाइन पे इन्होंने काम किया है। इसके अलावा पुणे मेट्रो, फिर आपके अगर आप देखेंगे तो जो इनके मेजर क्लाइंट लिस्ट है उसमें MMRDA तो है ही है, इसके अलावा NHAI के लिए काम करती है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, L&T इन सब के लिए काम करती है। बहुत ही जबरदस्त है, 11,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, रेगुलर इंटरवल पे नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। फिर अभी 2 नए ऑर्डर इनका इंतजार कर रही है कंपनी, एक तो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और दूसरा दहिसर कोस्टल रोड है, उस पर भी इन्होंने बिड किया हुआ, वहां से भी इनको चांसेस है ऑर्डर मिलने के। और कंपनी सूरत मेट्रो पे काम कर रही है, बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है। तो इस तरह की एक जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 71 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 58 करोड़ का पैट था। डेट इक्विटी रेशियो भी कंफर्टेबल है, मैनेजेबल है, 0.21, मतलब सिर्फ 450 करोड़ का डेट है। वैल्यूएशन के लिहाज से बुक वैल्यू है क्लोज टू 280 और स्टॉक अभी 267, मतलब बुक वैल्यू से 0.9 टाइम्स ये ट्रेड करता है। और वैसे प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से भी देखेंगे तो 7 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है, और अच्छे खासे FISDIs भी इसमें इन्वेस्टेड है, अराउंड 22-23%, जिसमें HDFC ओन्स अराउंड 9%, फिर बाकी बाजार के कई सारे दिग्गज निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 285 का टारगेट और 260 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए जय कुमार इंफ्रा, खरीदारी करने का है सेठी साहब की तरफ से। 2:30 की स्ट्रेटजी का वक्त है, आप तैयार हैं सर? मैं कब से तैयार हूँ, 6 मिनट पहले से। ठीक है, तो सर के लिए एक बिगुल 2:30 की स्ट्रेटजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स इस समय 87-90 अंक ऊपर है, दिस इज वन रिलीफ पॉइंट। नैसडेक फ्यूचर्स की बात करें तो ये भी धीरे धीरे करके सही चढ़ने की कोशिश कर रहा है, 20-21 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो बहुत सुस्त सा कारोबार है, फ्लैट नेगेटिव इसी टाइप का ट्रेड हो रहा है। कमोडिटी स्पेस को लेकर दिक्कत नहीं है, कच्चा तेल बिल्कुल 75 के नीचे बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स 103 के पास पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 7 वीक हाइस, और रुपए पर इसके चलते प्रेशर है, और रुपया हम देख रहे हैं फिलहाल महीने से 1.5 महीने के निचले स्तर पर है। क्या करना है सर? देखिए, 18,100-18,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 18,150-18,200 बढ़िया रुकावट की जगह, यानी कि 18,100-18,200 लड़ाई झगड़े की जगह चल रही है। 18,200 पर 101,50,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, पार करना आसान नहीं होगा। 18,100 पर 91,00,000 शेयर पुट है, थोड़े कम है लेकिन फिर भी अगला सपोर्ट वो है। सो आपको 18,100 के नीचे फ्रेश कमजोरी फील करनी है, 18,200 के ऊपर निकल कर टिके और वो भी 3 बजे के पहले, तो हल्की फुल्की आप रिकवरी के संकेत देखेंगे। क्योंकि आप कल गिरे हैं, आज गिरे हैं और भारतीय बाजार ज़्यादा गिरे हैं, डाउ फ्यूचर्स आपको थोड़ा बेहतर दिख रहे हैं, तो हो सकता है हल्की फुल्की रिकवरी आए। इस रिकवरी में आप ऊपर में 18,200-225 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। फॉर अ चेंज अगर डाउ फ्यूचर 150-200 ऊपर हो जाए, हमारे यहाँ बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का मूड बन जाए कि भाई ECL से क्या डरना, होगा जब होगा तब देखा जाएगा, जितना होना था करेक्शन होना था हो गया, और ये डर अगर निकल जाए और बंद होकर 18,250 के ऊपर आ जाए, फिर तो आप टेंशन से बाहर। क्लोजिंग 18,250 के नीचे नहीं चाहिए, और क्लोजिंग 18,250 के नीचे ना हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप 3 बजे के पहले 18,200 को पार करके टिके,
तो ही आप 18,250 को मेंटेन कर पाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे, अदरवाइज नीचे की रिस्क खुलती है। और अगर 18,250 के नीचे बंद होते तो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो BTST टाइप वाले एक आध दिन का जो ट्रेड करते हैं उनके लिए खतरे की पहली घंटी होती है, तो उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना या लॉस बुक करना जो भी उनको बुक करना हो वो पोजिशन हल्की तेजी की तरफ करनी चाहिए। ये आपके लिए लेवल है 18,200 ऊपर, 18,100 नीचे नीचे, ठीक है। 3 बजे के पहले इनमें से एक लेवल को पार करने पर 50 पॉइंट का एडिशनल बुक, ठीक है। थैंक यू। बैंक निफ्टी 43,500 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 43,500 के पुट पर 60 लाख शेयर्स हैं, कॉल्स पर भी लगभग 57-58 लाख बराबरी का मामला है। 3 बजे के पहले आपको 43,500 को होल्ड करना है ऊपर की तरफ। होल्ड करेंगे तो आप 43,800 तक जा सकते हैं, 43,700 से 43,800 की रेंज में जाकर वहां रुकेंगे। मुश्किल लगता है कि 43,800 के ऊपर आज क्लोजिंग दे पाएंगे, अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी खराब क्लोजिंग भी नहीं हो रही कि आप बहुत दुखी हों। 43,450 के ऊपर आप अगर 43,500 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो उतने बुरे नहीं। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 43,650 से क्लोजिंग स्टॉप लॉस आजकल का ट्रेड करने वाले के लिए, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी भी आप थोड़ा दूर हैं, तो इन लेवल्स पे नजर रखिए सिंपल, ठीक है। चलिए तो निफ्टी के लिए तो 18,100-200 नीचे, 18,100 के नीचे और ऑफकोर्स 18,200 वो लेवल है जो हम वॉच आउट करने वाले हैं, और 3 बजे तक यहाँ रहेगी नज़र। और बैंक निफ्टी के भी लेवल सर ने आपके सामने रख दिए हैं, तो 3 बजे तक 43,500 ये एक लेवल होगा जिसके ऊपर हमें देखना होगा कि मार्केट बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन करता है या फिर नहीं। इसी बीच हम देख रहे हैं SKF इंडिया और एरिस लाइफ साइंसेज, इनके नंबर्स जारी हुए हैं। एरिस लाइफ साइंसेज यहाँ पर हमने देखा कि प्रॉफिट के फ्रंट पर गिरावट दर्ज हुई है, आय के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो कुछ बढ़ोतरी ही देखने को मिली। और SKF इंडिया कामकाजी मुनाफा यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी हाथ लगी, 167 करोड़ के आसपास का वो फिगर फिलहाल निकल के आता हुआ। तो SKF इंडिया उसके नंबर्स आपके सामने, स्टॉक इस समय 1-1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। सुमित जी, SKF इंडिया क्विकली एक आपसे चेक लेना चाहेंगे चार्ट पे इस समय। नया SKF इंडिया के अंदर एक अच्छा रिबाउंड है, पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है। 4400 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 4600 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो करीब करीब 4300-4320 के पास है। 4300 के आसपास का ट्रेलिंग सपोर्ट लगा के पोजीशंस होल्ड करें, 4600 का इसका इमीडिएट टारगेट है। 4600 का लेवल टूट गया तो 5000 के लेवल फिर आने वाले दिनों में क्रॉस करेगा। तो ये है आपके लिए SKF इंडिया। यहाँ पर नतीजों के बाद का एक्शन, नतीजों के बाद का एक्शन तो अभी आपने देख लिया, लेकिन नतीजों के पहले का एक्शन भी देखना जरूरी है। और वो आने वाले हैं रिजल्ट ITC के। ओके, तो ITC के नंबर्स आएंगे कल, और नंबर्स ITC भी है, एक और SBI भी कल है, SBI भी कल है, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर्स कल है। तो ITC के रिजल्ट कैसे रहेंगे जरा अनुमान जान लीजिए, समझ लीजिए, तैयार है नूपुर बताने के लिए। नूपुर बताइए। सर नंबर्स तो अच्छे ही रहेंगे क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ इस बार 13-14% आ सकती है, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 13-14% ज्यादा पी लोगों ने, लग तो ऐसा ही रहा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट में। ओके, और इसके अलावा होटल बिजनेस, जैसे कि हम होटल कंपनीज में देख ही रहे हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि होटल कारोबार से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। ओवरऑल बेसिस पे देखें तो कंपनी की आय 5% से बढ़कर करीबन 16,360 करोड़ के आसपास आपको आती हुई नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़कर 6,234 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। मार्जिन एक्सपेंशन की पूरी उम्मीद है 400 बेसिस पॉइंट से। पिछले साल इसी समय कंपनी ने 34% के मार्जिन किए थे, इस बार उम्मीद है कि 38% के मार्जिन आ सकते हैं। और मुनाफा भी देखे तो अकॉर्डिंगली 16% की ग्रोथ लेके चल रहे, 4,850 के आसपास आ सकता है। सिगरेट वॉल्यूम जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, 13-14% की ग्रोथ का अनुमान है। FMCG कारोबार की बात करें तो यहाँ पर भी डबल डिजिट 15-17% तक की ग्रोथ आ सकती है। एग्री बिजनेस की बात करें तो वहां पे हल्की फुल्की गिरावट की उम्मीद है, लेकिन होटल कारोबार से पूरी मजबूत ग्रोथ आती हुई नजर आई। बाकी होटल स्टॉक्स में भी देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। डी मर्जर से जुड़े अपडेट पर नजर रहने वाली है, ग्रोथ आउटलुक पर भी नजर रहेगी, साथ ही साथ रूरल डिमांड पर भी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। तो सिगरेट वॉल्यूम 13-14% का एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन एक्सपेंशन है 400 बेसिस पॉइंट का, और होटल बिजनेस से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है। ओके, तो ये है ITC पर आपके लिए नंबर्स आने वाले हैं कल। एक बार जरा ITC के नतीजों से पहले इस पर राय ली जाए धर्मेश सर से। धर्मेश जी बताएं सर क्या किया जाए।
अनिल जी बाई करना चाहिए और बाई करके बने रहना चाहिए आईटीसी में, बिकॉज मुझे लगता है कि नतीजे तो अच्छे आएंगे ही और बड़ा सा पाई जाएगा मार्जिन फ्रंट पे। ये 38% का अनुमान है, मुझे लगता है वहाँ पर बीट आएगा। इनकी जो मार्जिन है 40% से ऊपर आनी चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ अदर बिजनेसेस में है। सबसे बड़ा डेल्टा जो आईटीसी में इस बार आएगा वो आएगा होटल बिजनेस से, वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर में देखने को मिला है और मुझे लगता है इसका फायदा आईटीसी को भी रहेगा। और बॉटम लाइन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीब 26 से 27% के आसपास ग्रो करनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ओवरऑल अगर कंपनी 25 से 30% का मुनाफा में आपको इजाफा मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है और इनकी जो आरओसी है वो 33-34 की है, तो वहाँ पर फिर ये 30 या 31 के ट्रेलिंग मल्टीपल और वन ईयर फॉरवर्ड की बात करें तो 25 या 26 के पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो काफ़ी री रेटिंग की गुंजाइश अभी भी है स्टॉक में। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर बाई करेंगे तो 20 से 25% के आसपास का अपसाइड मिलेगा। जरूर थोड़ा लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा, मैंने 6 महीने के अवधि के हिसाब से ये टारगेट दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी पर राय, खरीदारी करें और होल्ड करें नतीजों के पहले भी नतीजों के बाद भी। आइए बढ़ते आगे, एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। हमने देखा कि 2 दिन से स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रही है और आज के वीक बाजार में भी स्टॉक ऑलमोस्ट पूरे लोस से रिकवरी करते हुए नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक और कपल ऑफ और जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तेजी की एक अर्ली साइंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो परसिस्टेंट सिस्टम के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर लगभग 4,800 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, 4,760 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में 4,860 और 4,925 ये दो टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह। परसिस्टेंट सिस्टम में वो स्टॉक जहाँ पर बीटीएसटी करने की राय आपके लिए 4,925 के टारगेट की है। बिल्कुल जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। हाँ जी, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों पहले दिया था, अच्छा मूव आया, अब फिर से एक मौका दे रहा है ये स्टॉक, चंबल फर्टिलाइजर्स। इसका फ्यूचर्स खरीदने की एनर्जी सलाह है चंबल फर्टिलाइजर्स का, जो अभी ट्रेड कर रहा है 299.40 पर। सो 299.25 रहता है, सो 299.25 299.40 ये भाव पर अभी खरीदे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 292 पर, सो नियरली अराउंड 7-7.5 पॉइंट्स के आसपास का एक डाउन साइड रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी है। रिसेंटली ये स्टॉक ने हाई लगाया था 308, मुझे ऐसा लग रहा है वो लेवल्स भी निकल जाएंगे एंड ऊपर में लगभग हमें 315 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर्स में। एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद ये देखने मिल रहा है जी कि फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ इसमें क्लियरली एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिला है, अगर आप हम देखें तो लगभग 7-8% का लॉन्ग साइड पर एक एडिशंस भी है। सो क्लियरली डेरिवेटिव्स डेटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक में अच्छा खासा अप मूव देखने मिल सकता है। 308-315 के टारगेट के लिए चंबल में करें खरीदारी 292 के स्टॉप लॉस के साथ, जय की राय, यहाँ पर खरीदारी की आती दिख रही है। बढ़ते हैं आगे और अब एक बड़ा डेवलपमेंट और डिसीजन आज होता दिखा है कैबिनेट में। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए पीएलए स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है। आइए, कितनी बड़ी स्कीम है, कौन सी कंपनियाँ जो है इस कारोबार में है और किन को मिल सकता है फ़ायदा, बताने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त अरमान। अरमान बताइए। जी सर, सबसे पहले अगर कंपनियां बताएं तो कंपनियों में डिक्सन टेक, अंबर इंटरप्राइजेस, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी कंपनियां हैं जिसको इसका फायदा हो सकता है। अब मैं इसको जो पीएलआई 2.0 इसको बताया जा रहा है, उसका रीजन ये है कि पहले एक पीएलआई जो पहली वन जो है वो आ चुकी है। अब ये वाली जो 2.0 है इसका अगर आप कुल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 17,000 करोड़ की जो है ये पीएलआई है और इस पीएलआई 2.0 को कहीं ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा इंसेंटिव जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें और जो जितना पहले जो PLI 1 थी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो कामकाज थे उससे कहीं ज़्यादा रिलेटेड जो है आईटी हार्डवेयर के बिजनेस है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अगर आपको बताऊं मैं मार्च 2021 में जो ये PLI 1 आई थी जिसमें अगर कुल अमाउंट जो था वो 7,350 करोड़ का था, पर वहाँ पर सर रिस्पॉन्स जो है इन्वेस्टमेंट का लगभग 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था पर उसमें से सिर्फ 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही आया,
क्योंकि क्योंकि उसके जो नॉर्म्स थे, क्राइटेरिया थे उसको अप्लाई करने के लिए, वो बहुत मुश्किल थे, तो उसको में बहुत सुस्त रिस्पॉन्स आया, तो उसी को ये अपडेट करके अब इसमें अमाउंट भी ऐड कर दिया है और अब इसको और ज्यादा इंसेंटिव भी दे रहे हैं और ज्यादा दूसरी चीजें भी इसमें इंक्लूड कर दी हैं। तो ओवरऑल इस ये PLI 2.0 17,000 करोड़ की है, कहीं ज्यादा इसमें दूसरे इंसेंटिव भी हैं और दूसरी जो रिलेटेड है IT एडवाइस है उसको भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। ओके, तो ये इस बार थोड़ी सी जो स्कीम बनाई वो थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल सर। किनको ज्यादा फायदा मिलेगा सर? जिसमें डिक्सन टेक, और डिक्सन टेक की अगर बात करें सर, PLI 1 में भी इनका जो प्रेस रिलीज आई थी PIB की तरफ से, उसमें डिक्सन टेक का उसमें भी नाम था, तो इस बार तो कंपेटिवली श्योर है कि अगर उसमें भी नाम था तो भी और इंसेंटिव हो जाते, तो उनका नाम आना ही चाहिए। बाकी अगर आप दूसरी कंपनियों के नाम बात करें तो उसमें अंबर इंटरप्राइजेस है, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको भी हो सकता है फायदा आता हुआ दिखे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और अंबर तो रिजल्ट के बाद आज तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिखा भी है। देखिए लगभग 10% से ज्यादा का बड़ा उछाल, 13% ऊपर है ये। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी मजबूत है, और कई बार सेठी साहब तो निकल गए, नहीं तो उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में काफ़ी वक्त रहा है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बार जरा हिमांशु जी आप चार्ट देखिए TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और राय दीजिए अपनी। 3% मजबूत सर। देखिए चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, स्टॉक फिलहाल नियर टर्म में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जरूर अटका हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चार्ट स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं नए हाई बनाने से पहले एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से 354 यानी कि 354 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें, फ्रेश खरीदारी भी सेम स्टॉप लॉस के साथ की जा सकती है। अपसाइड में जैसे ही स्टॉक 415 रुपए के ऊपर निकलेगा स्टॉक फिर से नए हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है और 445-450 रुपए तक के न्यू 52 वीक हाई स्टॉक में बनाने का पोटेंशियल नजर आता है, तो चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और बने रहने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्ट्स मजबूत है बने रहें, ये आपके लिए राय। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताए सर। अनिल जी एक सेल सर का स्टॉक ही रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 700 रुपया, स्टॉक का नाम है JSW स्टील। सुबह जिंदल स्टील में गिरावट आया था, अब JSW स्टील में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, लास्ट 2 दिनों के लो ब्रेक हो चुके हैं। JSW स्टील यहां से नीचे के अंदर 680-675 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 705 रुपए के आसपास का है, 705-707 के आसपास का, तो 707 का स्टॉप लॉस लगा के JSW स्टील के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 680 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो सुमित जी को लगता है JSW स्टील, इनफैक्ट आज इसका सुबह जिक्र भी कर रहे थे, हिमांशु जी के भी साथ इस पे बात हुई थी, तो अब यहाँ पर एक फ्रेश सेल की संभावनाएं बनती हुई 680-675 नीचे और 707 का स्टॉप लॉस लगाना है। एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश कनाल जी के लिए। राकेश कनाल सर बताइए। नेहा हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है रेमको सीमेंट, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक इम्पोर्टेंट नेकलाइन 783-784 की एक नेकलाइन को कैश मार्केट के अंदर इस स्टॉक ने डिसाइसिवली तोड़ा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है अच्छा कैंडिडेट है ओवरनाइट कैरी करने का, और कल फर्स्ट हाफ में यहाँ पर 805-815 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू कुणाल जी। ये रिकमेंडेशन देखिए ओके चार्ट स्ट्रक्चर है और इसका सर जी इस रेमको सीमेंट पर आधा बोल दिया है राकेश जी ने, आधा बोलना है आपको। मेरी आवाज, आपकी आवाज बहुत ही बुलंद है, मधुर भी है, कर्णप्रिय भी है, सब कुछ हो रहा है सर। अब बताइए लेवल्स। अनिल जी देखिए बहुत जबरदस्त चार्ट है और खरीद करके चलना है, 777 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 800 रुपए का, दूसरा टारगेट 808 रुपए का, तो 800 और 808 के टारगेट के लिए बाय करें रेमको सीमेंट। खरीदारी करने की रिकमेंडेशन राकेश कुणाल जी की तरफ से आ रही है। फर्टिलाइजर स्पेस, वैसे तो हमने देखा है कि दो दो रिकमेंडेशंस आज आई है, चंबल फर्टिलाइजर पर भी आई है और GSFC पर भी आज शो की शुरुआत में आई, लेकिन ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस के लिए किस तरह के मौके यहां बनते दिख रहे हैं? खाद सब्सिडी जिसका को लेकर मंजूरी मिली है, एक बड़ा पैकेज है वो,
धर्मेश सर, हम आपसे समझना चाहेंगे, फर्टिलाइजर स्पेस इट्स वंस अगेन बैक इन न्यूज, आपको कैसी संभावनाएं यहां पर दिख रही है, क्या पसंद है? देखिए, जीएसएफसी पसंद है फर्टिलाइजर स्पेस से, बट ओवरऑल जो अभी फर्टिलाइजर में एक ही समस्या सामने जो खड़ी होकर आ रही है वो है कि मानसून कैसा रहेगा। अगर मानसून अच्छा रहता है तो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में अच्छा रहता है एंड उस हिसाब से फिर फर्टिलाइजर का यूसेज भी ज़्यादा रहता है, और मानसून के प्रॉब्लम आने पे इनका फिर बिकवाली में थोड़ी फर्क पड़ती है बिकॉज सॉइल अब्जॉर्ब नहीं कर पाता फर्टिलाइजर। तो एक बात जो समझने की है कि अगर सूखा पड़ रहा है तो फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज होगा, वो धारणा थोड़ी गलत है। इनफैक्ट पानी जब पड़ता है तभी फर्टिलाइजर का यूसेज ज़्यादा पड़ता है। ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से सभी मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू के जो मीन वैल्यूएशन मल्टीपल है वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, एंड सरकार गोइंग इनटू इलेक्शन गियर जरूर फार्मर्स के बिहाफ में फेवर में कुछ करेगी, तो वहां पर सब्सिडी का और भी आगे भी बढ़ के आ सकता है, तो वॉल्यूम ट्रैक्शन मिलने की संभावना है। टॉप पिक इज जीएसएफसी इन दिस स्पेस, पसंद फर्टिलाइजर स्पेस पर हमारी नजर रहेगी, बट ऑफ कोर्स मॉनसून पे काफी कुछ यहां पर निर्भर करता है। लेकिन आइए, सबकी नजर एसबीआई के नंबर्स पर रहने वाली है जो कि कल जारी होने वाले हैं, तो जान लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स की संभावना यहां पर दिख रही है। वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या एक्सपेक्टेड है? डेफिनेटली तो नेहा, काफी बेहतरीन नतीजे आने वाले हैं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और लगातार ये बैंक जो है वो आउट परफॉर्म करते जा रहा है, इस बार भी करने वाला है। एनआई में 28% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 40,000 करोड़ के आसपास ही आएगा मुनाफा, करीब 62.5% बढ़ सकता है, 9,113 करोड़ से बढ़ के 14,800 करोड़ पे आएगा। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस में सुधार होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या तो मेंटेन होंगे या तो थोड़ा बढ़ के निकल के आ सकते हैं। लोन ग्रोथ जो है 15-16% रहने का अनुमान है, डिपॉजिट ग्रोथ जो है 8-10% रहने का अनुमान है। स्लिपेजेस जो है उसमें साल दर साल थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये एक चीज़ होगी जहाँ पर आपको नज़र रखना है। और साथ ही साथ वेज रिवीजन, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 480 करोड़ के आसपास पर मंथ के आसपास का वेज रिवीजन जो है उसका प्रपोजल इन्होंने दिया था, तो उसका असर थोड़ा बहुत हो सकता है मुनाफे पे हो तो, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि 14-15,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो है ये कंपनी ईजीली दे सकती है। देश की दूसरी सबसे बड़ी मुनाफा करने वाली कंपनी जो है वो SBI है, बेहतरीन नतीजे आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा अनिल जी आपको रिलायंस के बाद? हाँ, इसके दो क्वार्टर्स पहले ये देश की सबसे ज्यादा मुनाफा करने वाली कंपनी थी। उसके बाद नो डाउट दो पिछले बार भी सेकंड हो गई और इस बार भी सेकंड ही होगी, क्योंकि रिलायंस ने सबसे ज्यादा मुनाफा किया, लेकिन हाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी मुनाफा करने वाली कंपनी है तो SBI। तो SBI नतीजे पेश करेगा, और नतीजों के पहले अगर कोई ट्रेड बनता है खरीदने या बेचने का तो एक बार इस पर फोकस कर लिया जाए। जय जरा चार्ट्स और FNO डेटा दोनों देखिए, ज़्यादा समय चाहें तो आप मुझे बताएं, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं आपके पास घूम फिर कर। तब तक एक फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नितिन जी हैं बिगुल, उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे 18200 की पुट ऑप्शन लेंगे, ये 6162 में मिल रही है, 18200 की ये इन द मनी पुट ऑप्शन हो गई, 60-61 ऐसे मिलेगी, इसका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए के और टारगेट होंगे करीब 100-110 के टारगेट होंगे। तो 18200 के इन द मनी पुट ऑप्शन 60-62 रुपए के आसपास लेना है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 100-110 का टारगेट। और जरा एक बार सर बैंक निफ्टी पर भी जरा व्यू दीजिए आपका। बैंक निफ्टी में भी अभी तो दो दिन से जो आज डेटा बना है वो करेक्शन का डेटा है, और इस वीक में ओवरऑल लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन ही रहेगी। अभी नीचे से मार्केट में बाउंस आई है बट ऊपर रेसिस्टेंस काफी बन गए हैं, वो करीब करीब 43,700-43,750 की रेंज में है, तो सेल ऑन राइज का ये वीक रहेगा जो कल एक्सपायरी है, और इस वीक में एक्सपायरी में मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,400 तक बैंक निफ्टी आनी चाहिए, अभी 43,600 तक है, तो ये 200 पॉइंट की फॉल बैंक निफ्टी में और यहाँ से आ सकती है। आज काफी बड़े वॉल्यूम्स और सेलिंग हुई है ऊपर के लेवल पे, और ये बैंक निफ्टी में 43,800 की रेंज में हुई है, और निफ्टी में 18,250-260 की रेंज में काफी सेलिंग हुई है, तो मोस्ट लाइकली कल जो एक्सपायरी है वो नीचे की तरफ ही होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों।
ओके, थोड़ी एक्सपायरी कमजोर होते हुए दिख रही है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए, एसबीआई ये डिसाइड करेगा कि कितना कमजोर होना है अगर बैंक निफ्टी को होना है तो, और कल देगा नंबर्स। नंबर्स का अनुमान तो वरुण बता ही चुके हैं, सेकंड हाईएस्ट मुनाफा करने वाली कंपनी हिंदुस्तान के बाजारों में लिस्टेड एसबीआई। आइए नंबर्स के पहले ट्रेड क्या बनेगा। जय ठक्कर काफी देर से डेटा देख चुके हैं, चार्ट देख चुके हैं, बताने के लिए तैयार है। जय बताइए। जी बिल्कुल अनिल जी, जहाँ तक एसबीआई का सवाल है तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक में अगर आप देखें तो एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हमें ये साइकिल में देखने मिला है। ओवरऑल अच्छी तेजी यहाँ पे आते हुए देखने मिली। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं देख रहा हूँ सो हाई लेवल्स पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे आते हुए देखने मिला अनिल जी। सो विद दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। अपसाइड इसका 600 के आसपास के लेवल्स पर मुझे कैप लगता है, एंड ऑन द लोअर साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि 560 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। ये रेंज बाउंड मोर ऑर लेस रहेगा अनिल जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आपको आएगा। इफ इट हैपेंस सो इट वुड बी अ रियली सरप्राइज। डेटा देख के तो ये समझ में आ रहा है अनिल जी कि ऊपर 600 और नीचे 560 ये रेंज में एसबीआई ट्रेड करेगा। सो अगर 560 के आसपास आता है तो आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और अगर 600 के आसपास जाता है देन डेफिनेटली एग्जिट बुक प्रॉफिट्स, यहाँ पे आप शॉर्ट्स भी इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के जो यू नो एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं इस लेवल्स पे वो रहेगा कि आप 580 के स्ट्राइक का अनिल जी कॉल और पुट दोनों बेच सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ज़्यादा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। और अगर आप ये दोनों बेचते 580 का कॉल और पुट तो लगभग कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है करीब करीब 15 रुपये के आसपास, पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 9.5 रुपये पर। सो आपका जो कम्बाइंड अनिल जी इनफ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा 24.25 रुपये का। सो लगभग 25 रुपये के आसपास का आपका कंबाइंड इनफ्लो आ जाएगा। और इसमें जैसे मैंने कहा अनिल जी कि अपसाइड मुझे कैप लगती है 600 रुपये के आसपास, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें 610 के स्ट्राइक का अनिल जी ऊपर की तरफ एक कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए जिससे हम हेज हो जाएंगे, जिसमें आपका इनफ्लो हो जाएगा 4 रुपये का। एंड डाउन साइड में आप एक पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, ये आपको खरीदना चाहिए 550 का। सो लगभग आपका इसमें जो आउटफ्लो हो जाएगा डेट वुड बी अराउंड 2 पॉइंट्स। सो अनिल जी आपकी नेट लागत जो होगी, नेट इन्फ्लो जो होगा दैट वुड बी अराउंड 19 रुपये के आसपास का आपका नेट इन्फ्लो हो जाएगा। एंड आपका रिस्क होगा 11 रुपये के आसपास का, बिकॉज 30 रुपीज़ का आपका डिफरेंस है। सो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो डेट इज़ नियरली अराउंड 1:2। तो एक्सपायरी तक अगर ये यू नो यही रेंज में रहेगा अनिल जी तो इसमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। सो कॉल और पुट बेचे 580 के स्ट्राइक का नियरली अराउंड एट द मनी है, जिसमें आपको 24.50-25 रुपये का इन्फ्लो होगा, जिसमें से आप 610 और 550 ये स्ट्राइक का कॉल और पुट खरीदोगे जिसमें आपका आउटफ्लो होगा लगभग 6 रुपये का। सो नेट नेट आपको 19 रुपये के आसपास एक इन्फ्लो बनेगा। बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है, ज़्यादा समय देने का ये फायदा हो गया एकदम पूरे 10 मिनट को एंजॉय करते हुए। देखो क्या कर रहे हैं, 580 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन भी बेचिए, कॉल ऑप्शन भी बेचिए, और दोनों बेचने से 25 रुपये आपके जेब में आ जाएंगे। लेकिन जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड, और वो भी रिजल्ट के दिन। डर लगता है ना, लगना भी चाहिए, किसी भी एक तरफ बड़ा मुंह आ गया तो फिर दिक्कत। तो ऐसे में उसको संभालने के लिए 610 रुपये वाला एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और 560 वाला एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, दोनों तरफ आप हेज। बड़ा मुंह आया तो हेजिंग है, और इसी रेंज में रह गया तो ये 24 रुपये धीरे धीरे जो आपने प्रीमियम कमाए धीरे धीरे कम होते जाएंगे, आपकी जेब में आ जाएंगे। सिंपल सी चीज, ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताई है आपको जय ने। तो 580 का पुट और कॉल दोनों बेचना है, 610 का कॉल लेना है, 560 का पुट लेना है, ये आपके लिए रहा है। आइए बढ़ते आगे, और भारतीय स्टार्टअप्स इनके वैल्यूएशंस में आई है कमी, वो भी जबरदस्त कमी। क्यों आई है और कितना कितना वैल्यूएशन इनका घटा है, ये डिटेल्स है वरुण के पास जो बताने के लिए तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी वैल्यूएशन जिस हिसाब से घटा है, पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 21 से 50% के आसपास के वैल्यूएशन जो है वो भारतीय स्टार्टअप्स के काटे गए। देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय स्टार्टअप्स के काटे गए हैं, ग्लोबली सभी स्टार्टअप्स के काटे गए हैं इस तरह के वैल्यूएशन, लेकिन यहाँ जो वैल्यूएशन कटे हैं वो ज़बरदस्त कटे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले US में कुछ बैंक्स थे जो कि दिवालिया हो चुके थे, कह रहे थे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनका पैसा काफ़ी हद तक इनके पास था, और उसके बाद वो पैसा नहीं आया, या फिर वहाँ से पैसा कैश फ्लो आना कम हो गया, उसके बाद वो दिवालिया हो चुके थे। तो फंडिंग इश्यूज साफ समझ में आ रहे थे, और वो फंडिंग इश्यूज का जो इम्पैक्ट है अब इन कंपनीज के वैल्यूएशन पे देखने मिल रहा है। जिन्होंने निवेश किया है और साथ ही साथ जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं
उन्होंने अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन जो है उनको काटना शुरू किया है। और इसमें सबसे आगे स्विगी है। आप देखिए, आज ही बैरन कैपिटल ने स्विगी की जो वैल्यूएशन है उसमें 34% की कटौती की है, 10.9 बिलियन से काट के 7.3 बिलियन डॉलर कर दिया है। इन्वेस्ट को कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जहां पे इन्वेस्ट को ने तो दो बार वैल्यूएशन काटे है। पहले बार 10.7 बिलियन डॉलर से काट के 8.2 किया था, अब 8.2 से काट के 5.5 बिलियन कर दिया, यानी कि वहां से करीब 33% का और डाउनसाइड जो है इन्होंने स्विगी में लगाया है। बायजूस, ब्लैक रॉक ने अपने वैल्यूएशन में 50% की कटौती की है, 23 बिलियन डॉलर से काट के 11.5 बिलियन डॉलर के आसपास कर दिया। और बायजूस में देखिए ब्लैक रॉक का करीब करीब 1% के आसपास का हिस्सा है। इसके अलावा ओला, वैंगवार्ड ने यहाँ पे वैल्यूएशन काटे हैं, करीब 35% के आसपास काटे हैं, 7.4 बिलियन डॉलर से 4.8 बिलियन डॉलर किए हैं। और वैंगवार्ड का ओला में करीब 1% के आसपास का हिस्सा है। इसके अलावा पाइन लैब्स, फार्मीजी, ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके वैल्यूएशन में कटौती की गई है और 21 से करीब करीब 39% के आसपास इन कंपनियों के वैल्यूएशन जो है वो काट दिए गए हैं। तो दिक्कतें हैं, स्लो डाउन की दिक्कतें हैं, खासकर जिसको हमने पहले सेंस किया था बैंक्स में, अब इन कंपनीज के वैल्यूएशन में वो देखने मिल रहा है। और इसके लिए जितने भी कंपनियां हैं, खासकर भारतीय कंपनियां, उनके वैल्यूएशन में 21 से 50% के आसपास की कटौती जो है वो इन्वेस्टर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने कर दी है। ओके, तो ये है आपके लिए वैल्यूएशन में जोर से कमी आती हुई सबके। स्विगी ने शुरुआत की ना, ज्यादा बढ़ी है स्विगी ने। हाँ अनिल जी, वैसे तो बायजूस, ओला इनने कर दी थी, लेकिन स्विगी आया तो एकदम हाईलाइट में आ गया। स्विगी का वैल्यूएशन भी बढ़ा है तो उस हिसाब से। हाँ, और दो लोगों ने काटा है, सबके सब काट रहा है, क्योंकि अब इनके क्या वो FY23 की सब रिलीजेस आ रही है तो 50% कम हो गया वैल्यूएशन। हाँ ओके, स्विगी, बायजूस, ऐसे स्विगी में तो इन्वेस्टको और बैंक कैपिटल दोनों ने काटा है। हाँ तो मामला बड़ा मुश्किल है इनके लिए, तो मुश्किल है। और दूसरे स्टार्टअप्स के लिए भी, ये तो बड़े हैं तो नजर में आ जाते हैं, पता चल जाता है, लेकिन छोटे छोटे के लिए भी फंडरेजिंग थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है। राइट, तो वो जो ग्लोरी आई थी बीच में कोविड के टाइम पे स्टार्टअप्स की और सबकी, वो थोड़ी थोड़ी खत्म होते हुए अब नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसी बीच मार्केट्स पर नजर डाली, आपने कहा था 3 बजे तक वॉच आउट करना है। 18175 के पास निफ्टी है, और बैंक निफ्टी की भी बात करें 43670 जिक्र किया था वो सब यहाँ पर होल्ड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट आज हम लोग देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पर काफी ज्यादा धुलाई हुई और काफी ज्यादा प्रेशर में यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स नजर आए। उन्हीं में से एक है ICICI प्रू, 2 से 2.5% तक की कमजोरी यहाँ पर नजर आई है। राकेश जी, ICICI प्रू सर, इस समय कोई सलाह होगी आपकी तरफ से? देखिए नया, ICICI प्रू के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी है, बट इन स्तरों पे नया कुछ नहीं करेंगे, फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करेंगे। नीचे में 420 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की राय है। जिन्होंने ले रखा था उनका लॉन्ग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, और जिनके पास है ट्रेडिंग के नजरे से 420 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की राय है। हमने पारादीप फॉस्फेट्स के भी नंबर्स आते हुए देखे, और उसके बाद हम देख रहे हैं 4-4.5% की वहां पर गिरावट देखने को मिली है। कुणाल सर, पारादीप फॉस्फेट्स इस समय कोई सलाह? देखिए नेहा, जिस तरह का ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक काफी अरसे से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, और 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक में अब गिरावट आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है। स्टॉक के लिए लोअर लेवल्स पर बड़े सपोर्ट मौजूद हैं, तो अगर 50-51 के पास आता है स्टॉक, तो वहां पर इसमें आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने के फिलहाल रहे। देवयानी इंटरनेशनल एक और कंपनी जिसने अपने नंबर्स जारी किए, 4-4.5% इस समय नीचे है, बिल्कुल दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, एक बार सर चार्ट पे नजर डालेंगे, बताएंगे इस समय क्या रणनीति कोई अपनाई जा सकती है? कौन सा स्टॉक बोला नया? यानी इंटरनेशनल। वेल, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 1-1.5 महीने में एक अच्छा मूव दिखाया। आज और कल 2 दिन देखेंगे तो गिरावट आई है, लेकिन पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 160-165 रुपए के पास है, अभी 173-180 के पास ट्रेड कर रहा है। 160-165 का लेवल जब तक टूटेगा नहीं, तब तक पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, और ऊपर में 180 का लेवल टूटने के बाद 190-195 तक का मूव आने वाले दिनों में देवयानी इंटरनेशनल में देखने को मिल सकता है। तो डिप में खरीदारी भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं।
एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करनी है और डिप्स पे खरीदारी भी देवयानी इंटरनेशनल में बनती है, 190-195 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। टानला प्लेटफॉर्म्स ये एक स्टॉक है जिसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी, ऑलमोस्ट 9.5-10% तक की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिमांशु जी कोई सलाह होगी सर इस समय टानला प्लेटफॉर्म्स? नेहा जी मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी करेक्शन के बाद ये स्टॉक अब थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। पिछले लगभग 2 से 3 हफ्तों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्लस अपने फॉलिंग 200 दिन का मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजिशन है शॉर्ट टर्म में बने रहें, हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, 660-670 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में लगभग 850-900 रुपए तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो टानला प्लेटफॉर्म्स में पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। पोजीशन होल्ड करिए, एक लंबी तेजी के लिए टानला प्लेटफॉर्म्स की तैयारी जारी है और यहां पर 850 के पार के लेवल्स भी बनते दिख सकते हैं। लेकिन रिडार पर है पीवीआर आईनॉक्स, नतीजों के बाद लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिली है और नतीजों पर कॉन्कॉल में मैनेजमेंट की तरफ से कुछ वक्तव्य निकल गए हैं, तो एग्जैक्टली क्या कहा है उसकी पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए क्या कुछ सुनने में आया? देखिए नेहा, यहाँ पर पिछले दो दिनों में आप देखिए नतीजों के बाद इंट्राडे में 10% ज्यादा की गिरावट पीवीआर में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अब कहीं ना कहीं कंसर्न अब यही बन रहा है कि आगे चलकर मर्जर तो अब हो गया है, पर जिस तरह से हिंदी कंटेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और इसी वजह से अप्रैल महीने में जितना इनका अनुमान था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वो अनुमान से कमज़ोर रहा है और जुलाई में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है फिर से रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो एक हिसाब से आप कह लीजिए कि यहाँ पर जो Q1 FY24 है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक अपडेट है। साथ ही जो प्रदर्शन रहा है फुटफॉल के लिहाज से वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इनफैक्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस रही थी फुटफॉल्स के एस्पेक्ट से अगर आप प्री कोविड लेवल की बात करेंगे। और ये फुटफॉल अगर नहीं बढ़ रहा है और नई स्क्रीन्स के एडिशन्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उस पर दबाव आएगा, एबिटा मार्जिन्स पर आपको दबाव आते हुए दिखेंगे। रेंटल खर्च प्री कोविड मुकाबले 30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पर विज्ञापन आए ये कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हुई दिखी है। अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर 19 मिनट का टोटल स्लॉट्स रहता है प्री मूवी एंड पोस्ट ड्यूरिंग द मूवी, जो इंटरवल के टाइम रहता है, तो वहाँ पर 19 मिनट के स्लॉट के बजाय अभी 12-12.5 मिनट के स्लॉट्स बढ़ रहे हैं। तो एड रेवेन्यूज जो है ये एक बड़ा कंसर्न है, अभी तक वहाँ पर रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर कमजोरी है और दूसरी तरफ जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कंपनी का बढ़ रहा है नए स्क्रीन एडिशंस को लेकर भी, और मर्जर के बाद की जो कॉस्ट है वो भी इन्हें इनकर करनी है। तो आगे का जो आउटलुक है, जब तक फुटफॉल्स नहीं सुधरते हैं, टॉप लाइन इंप्रूव नहीं होती है, तब तक पीवीआर आईनॉक्स के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय रह सकता है। मूवी टिकट के लिहाज से FY20 और FY23 का हमने कंपेरिजन किया तो वहाँ पर 3% की गिरावट है अभी भी कंपेरिजन वाइज। एड रेवेन्यू जो है वो अभी भी 31% गिरा हुआ है। तो एड रेवेन्यू एक बड़ा क्वांटम है जहां पर अगर इंप्रूवमेंट आती है तो यहां पर थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज कंटेंट परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो दिक्कत की बात अभी भी पीवीआर आईनॉक्स के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, नतीजों के बाद तो गिरावट दिखी है, ओवरऑल एक लंबे टाइम फ्रेम में भी देखे तो प्रेशर से जूझ रहा है यह स्टॉक। बंसल सर आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी इस समय? बंसल सर ये सवाल आपके लिए था, पीवीआर आईनॉक्स। ओके ओके, आई थिंक राकेश जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। ओके हिमांशु जी आप इस सवाल का जवाब देंगे, पीवीआर आईनॉक्स इस समय चार्ट्स पर क्या राय होगी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए ये डिस्कशन हमने शायद कल या परसों भी किया था नंबर से पहले और यही व्यू था कि स्टॉक ऑलरेडी एक करेक्शन में है, काफ़ी गिरा हुआ है, इन लेवल्स पर फ्रेश शॉर्ट के रिस्क रिवॉर्ड उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में स्टॉक 1230-1250 के जोन के आसपास आता है वो ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर शायद स्टॉक एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट टर्म बॉटम बनाता हुआ या बेस बनाता हुआ नजर आए। फिलहाल चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर दोनों ही वीक हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 1230-1250 की तरफ जाने का एक पोटेंशियल रखता है और नेहा जी एक बिगुल की भी गुजारिश है। एक हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताइए हिमांशु जी।
टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी नेहा। यहाँ पर हमने देखा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, काफी दिनों से एक अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा था। आज वीक गैप डाउन देखने को मिला और बाजार की वीकनेस के बावजूद ना केवल स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है बल्कि अपने 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस का हाई निकालते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स में 1 से 2 दिनों में अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। 1246-1247 के आसपास फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 1238 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। 1262 और 1275 रुपए के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो टीवीएस मोटर्स से वो स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। हिटमैन हिमांशु के तौर पर ये एक और स्टॉक है जहाँ पर अभी भी इस कमजोर बाजार में मौके खरीदारी की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं। 1238 का स्टॉक लॉस, 1262 और 1275 2 टारगेट। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी आपकी तो रोज लिस्ट में उतार चढ़ाव, बाकी काफी वोलेटाइल है आपकी लिस्ट आज। काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रही है और लिस्ट लगातार 5 है ना अंदर, 5 है हमारे पास अंदर, लेकिन अब हो जाएंगे 6 टोटल हमारे पास, क्योंकि आज कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजिशन में फिलहाल 80% से नीचे हो। कोई भी भार नहीं आ रहा, सबसे कम में भी पीएनबी है लेकिन 84% के पास है, 80% के करीब भी नहीं आया। तो बैन में सब बने रहेंगे जो 500 स्टॉक है हमारे पास, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहां पर नतीजों के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली है और पोजीशन का भी बिल्टअप काफी ज्यादा है, क्योंकि कल जो मार्केट में पोजीशन लिमिट करीब करीब 83% थी, आज बढ़कर हो गई है 108%, 95% के आंकड़े को काफी अच्छे तरीके से क्रॉस कर दिया है। निश्चित हो गया कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक जो है बैन में आएगा। सर एक और स्टॉक है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है बैन में आने की लेकिन प्रयास जरूर कर रहा है, चर्चा कर लेते हैं, ABFRL। यहाँ पर आप देखिए करीब 94.5% हो गई है, 95% के ऊपर नहीं गई है। समय भी अभी 15-16 मिनट बचे हुए हैं, मुश्किल है आना, लेकिन स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। बाकी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पक्का आएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की एंट्री होना पक्का है लेकिन निकलेगा कोई भी नहीं बाहर, एक भी स्टॉक नहीं बाहर। LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो आज नतीजे के बाद बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा कमजोरी का, और स्टॉक घटा भी है, नंबर से ऐसे ठीक दिख रहे थे लेकिन घटा जोर से, क्योंकि AUM में जो कमी आई थी और डिस्बर्समेंट ज्यादा बहुत मजबूत दिखे नहीं, उस वजह से नीचे आ गया। अब जा रहा है बैन में। जय जरा बताइए बैन में जा रहा है, अगर किसी के पास तेजी या मंदी की पोजिशन है तो क्या करें? नहीं अनिल जी, डेफिनेटली अगर इसमें तेजी की पोजीशन है तो डेफिनेटली एग्जिट करना ही चाहिए अनिल जी। शॉर्ट्स में अनिल जी बने रह सकते हैं, रीजन बीइंग इज दैट के यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको बाउंस बैक आते हुए देखने मिला देन आई थिंक दैट वुड बी डेफिनेटली फर्दर यूटिलाइज टू एग्जिट जिनकी भी पोजिशन जिसमें अटकी हुई है अनिल जी, बिकॉज हाई लेवल्स पर प्रेशर देखने मिलेगा जो हिसाब से एक रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला है। आई थिंक जब से बैन में जब तक बाहर आएगा नहीं अनिल जी तब तक कुछ बड़ा मूव इसमें आया ऐसा लग नहीं रहा ऊपर की तरफ, हेंस एनी बाउंस और किसी होल एग्जिट करने तो कर ही सकते, बट बाउंस आया तो डेफिनेटली एग्जिट करना ही इसमें से। जब तक ये बैंड से बाहर नहीं आता ना जी, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर दिस स्टॉक टू मूव विद अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ। ओके, चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस वो सलाह आती हुई। एक नजर करूर वैश्या बैंक पर क्विकली डाल लेते हैं, ऑलमोस्ट 7.5-8% की स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बंसल सर अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए करूर वैश्या बैंक इस समय क्या किया जाए। नया करूर वैश्या बैंक का चार्ट देखें तो चार्ट बढ़िया है और बहुत लंबे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में, अगर आप देखें तो जनवरी 2023 में करेक्शन के अंदर गया था और उस करेक्शन से स्टॉक निकल रहा है, तो जिनके पास है नया क्लियरली होल्ड करें। किसी भी करेक्शन में स्टॉक अगर अराउंड 9900 मिलता है तो बाय एंड होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट यह 114 का है और दूसरा टारगेट यहाँ पर 120 का बैठता है, तो 115-120 के लक्ष्य के लिए करूर वैश्या बैंक में गिरावट में खरीदारी की राय है। और नया करूर वैश्या बैंक की अपने बात करी, एक और स्टॉक GMDC, इसके अंदर भी एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट GMDC का है यहाँ पर भी 12-15 रुपए का अपमूव एक दो दिन में ऊपर में देखने को मिल सकता है, तो GMDC को भी ऑन रडार रखना चाहिए।
ओके, तो जीएमडीसी ये है एक और स्टॉक जो रडार पर रहना चाहिए आज, 8% का बड़ा उछाल। केवीबी आज जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो कई सारे इस कमजोर बाजार में भी ऐसे मिड कैप्स हैं जो दमदार एक्शन में आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स अब भी ज्यादा नहीं, 0.5% ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स, और मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है लाल निशान में, हल्के से मामूली से ज्यादा नहीं। तो जितना ऊपर है डाउ फ्यूचर्स 95 पॉइंट, उतना ही नीचे निफ्टी है 95 पॉइंट, यानी कि थोड़ी सी कमजोरी कम होती हुई दिखी है। आइए इस बीच पीएलआई पर बात कर रहे हैं रेलवे और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, आइए सुनते हैं। 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था, उसकी जगह करीब करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है दैट टू ऑफ दोज कंपनीज हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स रेडियो इक्विपमेंट, यूएस, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी यूके, यहाँ पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए। सो दैट इज द बिग पिक्चर इन विच वी हैव टू सी द रोल ऑफ आईटी हार्डवेयर। आईटी हार्डवेयर आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में किस तरह से आईटी हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, कैसे हमारी इंडियन कंपनीज एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो हो जिससे कि उनकी भी कैपेबिलिटीज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और फ्यूचर में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है। In terms of numbers, IT PLI mein, the budgetary outlay is 17,000 crores. The tenure of the program is 6 years. Expected investment is 2,430 crore. और जैसा आपने टेलीकॉम में देखा पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ, इसमें भी लग रहा है कि द वे थिंग्स आर मूविंग इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आएगा। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3,35,000 करोड़, दैट विल बी द एडिशनल GDP बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। 3,35,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। Expected incremental direct employment is 75,000. So 75,000 expected incremental direct employment. और आप जानते हो direct और indirect में electronics manufacturing में 1:3 का ratio रहता है, so which means roughly हम expect कर सकते हैं कि करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार generate होगा। तो ये in a nutshell, in short आपके सामने मैंने रखा। आईटी हार्डवेयर से जुड़े हुए पीएलआई स्कीम को आज कैबिनेट की तरफ से मिलती हुई मंजूरी, जिसकी खबर आपको हम सुबह ही दे चुके हैं, इस खबर पर मुहर लगती हुई। बढ़ते आगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदारों के लिए खराब खबर है। सरकार फेम टू की सब्सिडी घटाने की तैयारी में है, क्यों, कितनी और क्या असर पड़ेगा बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए जो फेम टू सब्सिडी इन्होंने पहले प्लान की थी, यानी कि यहाँ पर 15,000 प्रति किलोवाट या फिर 40% MRP का 40% विच एवर इज़ लोअर, ये सब्सिडी का प्लान था। अब यहाँ पर आगे जो प्रपोज्ड सब्सिडी है फेम टू के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, वो ये है कि 10,000 प्रति किलोवाट, यानी कि 15,000 प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 प्रति किलोवाट या फिर 15% ऑफ MRP करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। तो क्लियर कट 33% यहां पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए फेम टू सब्सिडी कम हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं, खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, उनकी बिक्री पर आगे चलकर असर होगा, क्योंकि जो ओवरऑल क्वांटम या फिर अमाउंट ऑफ सब्सिडी पहले मिलती थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, वो अब कम होती हुई दिख रही है। अब यहां पर इनकी जो कीमतें हैं फेम टू सब्सिडी कम होने के बाद, जो इफेक्टिव प्राइस है वो क्लियर कट 35-40% हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब फाइनल जो डिसीजन निकल कर आएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या प्राइसेस बनती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, पर इसमें
टीवीएस मोटर पहले तो क्योंकि इनकी जो आई क्यूब है वहाँ पर उसकी प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प उनकी खुद की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और साथ ही एथर एनर्जी आपको याद होगा उसमें भी इनका 35% करीबन हिस्सा है, तो वहाँ पर भी उनकी उसकी जो सेल्स है उस पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही एम्पियर जो व्हीकल्स हैं यानी कि ग्रीव्स कॉटन उस पर भी फोकस रखिए, उनकी भी बिक्री पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऑल इन ऑल इफेक्टिवली जो प्राइसेज हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी की वजह से जो सिग्निफिकेंटली कम हो रही थी वहाँ पर अब अमाउंट कम होता हुआ दिखेगा, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो सेल्स है उस पर आगे चलकर इम्पैक्ट हो सकता है। और यही मामला पूरी की पूरी सब्सिडी को लेकर, फेम टू सब्सिडी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर है। तो असर तो सब पर पड़ेगा, लिस्टेड कंपनियों में टीवीएस मोटर्स है, एक तो आई क्यूब टीवीएस मोटर्स का और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, एक तो विडा उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर है और साथ ही एथर एनर्जी में भी उनका 35% स्टेक। तो हीरो और थोड़ा टीवीएस मोटर्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू व्हीलर्स वाले मामले में है, तो इनके लिए थोड़ी नेगेटिव। और बजाज का भी है, वो चेतक बना तो सभी रहे हैं धीरे धीरे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी बना रहे हैं। तो ये आपके लिए टू व्हीलर्स कंपनियों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। फेम टू की सब्सिडी घटाने की तैयारी में है सरकार, 3-20 की स्ट्रेटेजी ले ली जाए। सर मैं वही पूछने बिल्कुल रेडी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है चलिए, बिगुल सर के लिए 3-20 की स्ट्रेटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स 95 अंक ऊपर है, नैसडेक फ्यूचर्स वही 20-22 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, कमोडिटी स्पेस बिल्कुल सुस्ताया हुआ है यहाँ पर, और यूरोप के मार्केट पर नजर डालें तो बिल्कुल जस का तस है सर, वैसी सुस्ती छाई हुई है, दायरे का ट्रेड है सर, क्या करना है? देखिए फ्रेश तो कोई पोजिशन बनाने की तेजी है मंदी की इस वक्त राय है नहीं, कली के लिए करी क्योंकि करेक्शन पूरा काफी कुछ किया है निफ्टी ने, 18,450 से 18,100 तक आया है, तो आज का लो जो है 18,115, क्लोजिंग 18,250 के नीचे तो हो रही है लेकिन बहुत बुरी नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो 43,650 के ऊपर ही हो रही है, तो बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट क्लोजिंग के वक्त और बेहतर होकर बंद होता दिख रहा है। इनफैक्ट रिकवरी भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा आई है, 450 से 750, 300 पॉइंट की अच्छी रिकवरी आई, जितना कमजोर है उससे कहीं ज़्यादा तो रिकवर हो चुका है, 18,200 पे निफ्टी चला गया है ना, तो आई थिंक रिकवरी बढ़िया है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है, अगर एकदम नीचे बंद हो रहे होते तो शायद थोड़ा आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओवरनाइट फेवरेबल होता, क्योंकि उम्मीद ये है कि डाउ थोड़ा मजबूत आज होना चाहिए और उस लिहाज से रिकवरी हो रही है, तो है उस पोजीशन को मेंटेन करें, लॉन्ग पोजीशन का हेज करना है 18,000 का पुट, शॉर्ट पोजीशन को हेज करना है 18,400 का कॉल, बैंक निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन अगर हेज करनी है 43,400 या 43,500 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट पोजीशन को हेज करना है तो 44,000 का कॉल ले लीजिए, वैसे बाकी कोई बहुत बड़ा मूव सुबह सुबह आने की संभावना कम है, बाद में एक्सपायरी का एक्शन रहेगा, उस लिहाज से ओवरनाइट पोजीशन न रखें क्योंकि अगर आप ऑप्शन कुछ खरीदेंगे भी तो तेजी से प्रीमियम घटेगी, इसलिए सुबह ही पोजीशन बनाना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ओके, तो ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी नहीं करनी है, शॉर्ट पोजीशन में 18,400 की कॉल खरीदकर हेज करने की रिकमेंडेशन आ रही है, बैंक निफ्टी में आप 44,000 की कॉल है ये लेकर चल सकते। तो बेसिकली आपको अपने जो यहाँ पर सेफ प्ले करके चलना है और कुछ भी यहाँ पोजिशन कैरी करने की रिकमेंडेशन सर की तरफ से नहीं है, लेकिन नंबर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं और उसके वजह से एक्शन भी है, और कल बाटा इंडिया अपने क्वार्टरली नंबर्स जारी करने वाली है, नंबर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, नुपुर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है, नुपुर बताइए। मिले जुले नंबर्स आ सकते हैं बाटा इंडिया के, क्योंकि कंपनी की आय में तो करीबन 14% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 760 करोड़ के आसपास आते दिख सकती है, कामकाज मुनाफा देखे तो 8% से बढ़कर 175 करोड़ के आसपास आ सकता है यही अनुमान है, मार्जिन्स में देखे तो आपको दबाव दिखेगा 100 बेसिस पॉइंट का, 24% के मार्जिन्स कहते हैं पिछली बार, इस बार 23% के मार्जिन्स आ सकते हैं, मुनाफा भी देखे तो 5% से घटकर करीबन 60 करोड़ के आसपास आता दिख सकता है, स्टोर एक्सपेंशन के चलते कंपनी की आय में बढ़त आपको नजर आएगी 14% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, स्नीकर्स का जो सेगमेंट है वो काफी इंप्रूव कर रहा है, उस वहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है जिससे सहारा मिलने वाला है ग्रोथ को, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी की साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है उसके चलते जो मार्जिन है उस पर दबाव आ सकता है, डिमांड आउटलुक मेट्रो टियर 2 टियर 3 सिटीज पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी के चलते मैनेजमेंट की गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आय में 14% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं लेकिन मार्जिन में इस बार दबाव आ सकता है 100 बेसिस पॉइंट का। ओके, मार्जिन्स पे प्रेशर नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आय में कुछ वृद्धि की संभावना डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बाटा पे एक क्विक चेक ले लेते हैं यहाँ पर हिमांशु जी से, सर बताइए बाटा क्या राय बन रही है? नहीं देखिए अभी तक तो कोई बहुत अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम काफी समय के बाद स्टॉक ग्रेजुअली अपनी
मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है, हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रॉडली स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन अगर नंबर्स के बाद कोई डिप मिलता है 1500-1510 रुपए के आसपास तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनेगा फ्रेश खरीदारी के लिए। और उस कंडीशन में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1465-1470 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, एज एग्जिस्टिंग पोजीशंस में तेजी की पोजीशंस को होल्ड करके चलने की सलाह है। ये है आपके लिए बाटा इंडिया। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। अंजी खरीदे अंबुजा सीमेंट्स का 400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ₹10.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹5.90 का अनिल जी। एंड यहाँ पे जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं इसके, तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 15.70 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 18.50। ₹15.70, ₹18.50 ये दो टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट्स का 400 के स्ट्राइक का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये लाइट चंबल फर्टिलाइजर एक अच्छे लेवल्स पर आया है, रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को, एक बहुत ही बढ़िया एक कंसोलिडेशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को एक रीटेस्ट किया है और यहाँ से फिर से अपवर्ड मूव देखने मिल सकती है। लॉन्ग बिल्डअप भी हमें देखने मिला है यहाँ पे और स्पॉट में लगभग 415 से लेके 425 तक का मूव हमें आते हुए देखने मिल सकता है जी। जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है, जैसे आपने कहा आई एग्री विथ यू दैट 44,000 and 43,500 ये रेंज में बैंक निफ्टी यानी जो सुबह लग रहा था कि उस लेवल से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिलेगा, जो मिला भी, इसलिए हमारे उसके सारे टारगेट्स हासिल हुए। बट देन 43,500 के टारगेट से थोड़ा डिप गया वहाँ से और फिर से रिकवर हुआ, सो एकदम बीचों बीच ये 500 पॉइंट की रेंज में है। सो जो आपने कहा एग्री विथ यू कि अगर 44 निकलता तो आपको लगभग 300-400 पॉइंट का मूव वहाँ पर देखने मिलेगा एंड बिलो 43,500 में भी 300-400 पॉइंट वहाँ पे नीचे मिलेगा। सो आई थिंक इफ दैट हैपन्स हो तो वहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं या तो एक्सट्रीम्स पे, ये तो एकदम बीचों बीच है, सो आई थिंक एक नो ट्रेड जोन में है। ट्रेड जोन में आप ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर अंबुजा का 400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, ₹10 के आसपास लीजिए, 6 के नीचे स्टॉप लॉस 16 और 18 18.5 के आसपास के टारगेट के लिए। आइए आज के कार्यक्रम का समापन समारोह की तरह हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मजबूत एक्शन में दिख रहे हैं। एक्साइड जो कुणाल जी का आज का पसंद का स्टॉक पिक ऑफ द डे, गजब का कमाल करता हुआ 6% की तेजी के साथ टॉप गेनर जुबिलेंट फूड। कुणाल जी और राकेश जी ने नतीजे के बाद इसको पसंद किया और बोला कि खराब नतीजे के बावजूद अगर स्टॉक तेजी से भागे तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। डे हाई पर ये बंद होता दिख रहा है। रैमको सीमेंट भी अभी आज कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, ये भी डे हाई के आसपास है। दीपक नाइट्राइट 2% की मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स ये एक और स्टॉक है जो आज हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आया, वागले साहब को मजबूती के साथ। कमजोर क्या है वो भी आपको देख लेना समझ लेना जरूरी है। LIC हाउसिंग 6% नीचे आज के सेशन में, डे लो पर बंद होता दिख रहा है नतीजे के बाद। और ओबेरॉय रियल्टी में भी 6% का नुकसान और तीसरा नुकसान JSPL में 5% का। तो ये तीनों ही कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे देने वाले स्टॉक कमजोर है, लेकिन जो नतीजे दे चुके हैं वो भी कोई कमजोरी अपनी कम नहीं कर रहे हैं। PVR यहाँ पर भी नुकसान आपको दिखेगा 5% का। घंटी की आवाज़ आपके कानों में आई चुकी होगी, प्रोविजनल क्लोजिंग 18,200 के बेहद करीब आई है, 18,196 पर पहुंचा है निफ्टी। रिकवर करते करते हाँफते हाँफते ऊपर चढ़ता हुआ यहाँ पहुंचा है, 43,750 के राउंड फिगर पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। जाहिर सी बात है क्लोजिंग जो आएगी आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी, सेंसेक्स 314 अंकों के नुकसान के साथ, बैंक निफ्टी 150 अंकों के नुकसान के साथ, 90 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता हुआ निफ्टी। डाउ फ्यूचर्स 3 अंकों में बढ़त बनाए हुए 110 पॉइंट ऊपर है और 30 पॉइंट ऊपर नैस्डेक फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। मोटापे से बचने के लिए आजकल लोगों में चीनी की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने का चलन काफ़ी बढ़ा है। दरअसल आर्टिफिशियल स्वीटनर में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन WHO की माने तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना डायबिटीज टाइप 2 और हार्ट डिजीज के खतरे बढ़ाता है। और इसी पर आज हमारी खास चर्चा, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों सेहत के लिए है खतरनाक, इनसे क्या नए खतरे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, बातचीत करेंगे, राय देंगे, सेहत के लिए शुगर फ्री हानिकारक है। डॉक्टर अरुण मिश्रा चेयरमैन फोर्टिस सी डॉक, डॉक्टर विवेक पाल सिंह इंटरनल मेडिसिन BLK मैक्स हॉस्पिटल और शिखा अग्रवाल शर्मा फाउंडर फैट टू स्लिम, ये तीनों हमारे साथ आज इस चर्चा में खास योगदान देंगे। इसके बाद मनी गुरु, पोर्टफोलियो में चाहिए डाइवर्सिफिकेशन तो मल्टी एसेट एलोकेशन आपके लिए होगा बेस्ट ऑप्शन।
यहाँ एक ही फंड में इक्विटी, डेट, गोल्ड सारे एक्सपोजर मिल सकते हैं। आज जानेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के फायदे, टैक्सेशन और कैसे चुने अच्छा फंड। शाम 6:30 बजे देखिए मुनाफे की मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी। जी हाँ, हमारा साथ देंगे डीपी सिंह, सीबीओ यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड, हेमंत रुस्तगी सीईओ वाइज इन्वेस्ट। और रात 8 बजे हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की एनुअल कंप्लेंट रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एडवर्टाइजिंग नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है। रिपोर्ट ये बताती है कि रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री ने नियम तोड़ने के मामले में ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया। आज हमारी कवर स्टोरी में हम करेंगे इस पर बातचीत की ऑनलाइन गेम्स के भ्रामक ऐड कैसे आम लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे इसे रोका जाए। गेम ऑनलाइन कानून साइडलाइन, ये हमारी कवर स्टोरी है आज की। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 30% से ज़्यादा आबादी का ब्लड प्रेशर हाई है आजकल के मार्केट कल, और आज तो हमारे यहाँ भी काफ़ी लोगों का बढ़ा है मार्केट को देख के। बाकी आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर का दिन आज है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आज हम कवर स्टोरी में बताएंगे कैसे जिंदगी की छोटी छोटी टेंशन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और आपका हार्ट और किडनी समेत गंभीर बीमारियों की चपेट में आपको ले रही है। तो जरूर देखिए लाइफ टेंशन में, बॉडी हाइपरटेंशन में, यह है हमारी एक और कवर स्टोरी। ये है आज का विशेष आयोजन और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई दिख रही। निफ्टी पर 104 अंकों के नुकसान के साथ 18181, ये है आज की क्लोजिंग, इजीली याद रखिए 18181। और सेंसेक्स 61,560, 371 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 205 अंक नीचे बंद होता दिख रहा है, 43,700 के आसपास। 105 अंक नीचे निफ्टी, 205 अंक नीचे बैंक निफ्टी और 370 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता हुआ। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय ठक्कर साहब, हिमांशु गुप्ता जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। ओके, तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए होता हुआ दिखा है। और मृत्युंजय तैयार है? बिल्कुल। तो मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय